विद 91. तो 91 इज चैप्टर 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कवर कर लिया है. लेट्स टेक अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन. सो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखी 1 से लेके 4 तक. दैट वाज चैप्टर नंबर 1. उसके बाद हमने 5 से लेके 16 तक वो चीजें देखी जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं अलग अलग चीजों को प्रूव करने के लिए. फिर हम आए 17 पे जहां से एडमिशंस शुरू होते हैं. 17 डिफाइंस एडमिशंस. 17 से लेके 23 तक एडमिशंस कौन कौन कर सकता है, कब कब कर सकता है, उस बारे में बात करी गई है. 22 और 23 जो है इस पार्ट में से, 22 टॉक्स अबाउट व्हेन ओरल एडमिशंस कैन बी डन फॉर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एंड 23 टॉक्स अबाउट सिविल केसेस जहां पे विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशंस होते हैं. समटाइम्स पार्टीज विल कम टुगेदर एंड दे विल डिसाइड दैट दिस विल नॉट कम एज एविडेंस बिफोर द कोर्ट एंड दैट विल नॉट कम एज एविडेंस इन द कोर्ट. 23 तक पहुंच गए. नाउ 24 से लेके 20 विल नॉट बी एडमिसिबल, दे विल बी इररिलेवेंट. 28 जो है ये इसका ऑपोजिट होता है, दैट व्हेन यू रिमूव दैट इंड्यूसमेंट और अनड्यू इन्फ्लुएंस देन सो एंड सो एडमिशन विल बिकम रेलेवेंट एंड बिकम एडमिसिबल एज वेल. एडमिसिबल होगा या नहीं वो बाद की बात है, अभी रेलेवेंसी पे बात चल रही है 5 से 55 में. बीच के जो सेक्शंस हैं 25, 26, 27 दे टॉक अबाउट एडमिशंस डन बिफोर पुलिस, द इंस्टीट्यूशनल पुलिस दैट वी हैव, उनके सामने आप एडमिशंस करते हैं तो उनका क्या हाल होगा. नॉर्मली दे आर इररिलेवेंट, बट इफ योर एडमिशन लीड्स टू समथिंग बीइंग डिस्कवर्ड देन दैट वेरी पार्ट, ओनली दैट पार्ट इज रेलेवेंट फैक्ट. देन वी गो अहेड, वी हैव सेक्शन 29 जो बताता है कि अगर सीक्रेसी और डिसेप्शन स्टिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं तो वो इररिलेवेंट नहीं करते हैं एडमिशंस को. Then we talk about 30 where there is a joint trial and there are co-accused, they are making admissions against each other and they are also relevant when they are being jointly tried. 31 says that admissions will not be conclusive proof but they will put an estoppel on you. 32 and 33 talks about situations where the person is not available, he is not in the reach of the court, he is dead, he cannot be brought, there will be a lot of delay if we try to bring him on. So in these cases what you can do, आप 32 और 33 को यूज कर सकते हो. उसी में डाइंग डिक्लेरेशन और 50 चीजें हमने पढ़ी हैं. Then we come to 34 से लेके 38. These are special circumstances, special kinds of admissions. So इसमें क्या बात होती है, बुक्स में एंट्रीज करी हुई हैं, लॉ बुक्स की बातें हो रही हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह की बातें हो रही हैं, ऑल दैट स्टफ. सो ये 34 से लेके 38 में आता है. Then we come to 39. If there's a series of letters, you only have to prove what is relevant, what is connected. Then we come to 40, talks about double jeopardy. Then we come to 41, 42, 43, talks about judgments when relevant. 41 mein conclusive proof hoti hai, 4 tarah ki judgments, PMIA, probate, matrimony, insolvency and admiralty. Then we come to 44, which is about collusive and fraudulent judgments. Collusive and fraudulent judgments, jab किसी फ्रॉड की वजह से कोई जजमेंट दे दी गई है, गलती से दी गई है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन वी कम टू 45 से लेके 51 व्हिच टॉक्स अबाउट द एक्सपर्ट ओपिनियन. 45 में ओपिनियन एक्सपर्ट देता है, कौन एक्सपर्ट होता है एंड ऑल दैट, वो सब बता रखा है. फिर उसके बाद हमने देखा, हमने कनेक्ट किए थे 48, 49 एक साथ, 46 एंड 51 एक साथ कनेक्ट किया था हमने. फिर 47 को 47 एंड 47 ए को हमने 63A, 73 वगैरह के साथ हमने कनेक्ट किया, 67 के साथ. उसके बाद हम आ गए थे कैरेक्टर पे जो है 52 से 55 तक. 52 और 55 में सिविल केसेस के बारे में बात करी जाती है, 53, 53A एंड 54 में क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करी जाती है. यहाँ पे हमारा रेलेवेंसी का पार्ट खत्म हो जाता है, होती है वो 56 से. 56, 57, 58 बात करता है कहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो जुडिशरी जो है वो जुडिशियली नोटिस करेगी, उसको प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सो 56 इज व्हेन यू नोटिस इट, 57 गिव्स यू अ लिस्ट एंड 58 टॉक्स अबाउट द फैक्ट्स दैट हैव बीन एडमिटेड, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू प्रूव इट. देन 59 एंड 60 दे टॉक अबाउट द बेस्ट एविडेंस.
सॉरी ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, 59 एंड 60. देन वी कम टू 61 से लेके 65 जो बेस्ट एविडेंस की बात करता है. वी रीड इट अलोंग विद 22, 91, 92, 144. सो 61 से 65 हमें क्या बताता है, 61 पहला जनरल सेक्शन है, 62 एंड 63 हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है वो बताता है, 64 एंड 65 हमें बताता है कब कब प्राइमरी और कब कब सेकेंडरी को कोर्ट में लाया जा सकता है. उसके बाद हमने बात करी थी 65A(b) की, जहां पे हम एक सर्टिफिकेट लगाते हैं 65B का और हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेके आते हैं. 66 में हम नोटिस टू प्रोड्यूस, 67, 67 में हैंडराइटिंग की बात होती है, 68 में व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, 69 में व्हेन द विटनेसेस कैन नॉट बी फाउंड देन 670 में व्हेन द एडमिशन मतलब एडमिट कर लिया जाता है बाय द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग दैट यस आई हैव एग्जीक्यूटेड इट, 71 में जब विटनेस डिनाई कर देता है आई हैव नॉट अटेस्टेड इट, 72 में व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, 73 में वी टॉक अबाउट कंपेरिजन ऑफ द हैंड राइटिंग्स. आफ्टर दैट वी केम टू 74 विच टॉक्स अबाउट पब्लिक डॉक्यूमेंट, 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट, 76 सर्टिफाइड कॉपी, 76 को हमने 79 के साथ रीड किया था, 76 एंड 79 सर्टिफाइड कॉपी, 76 में, 79 में उसकी जेन्युइननेस. एंड देन वी केम ऑन टू 77, 78, 78 से हमने प्रिजम्पशंस शुरू कर दी थी. फिर हमने प्रिजम्पशंस के बारे में पढ़ा 78 से लेके 90A तक, उसमें हम देर आर सर्टेन मे वाली प्रेजम्पशन एंड देर आर सर्टेन शैल ही चलती है. 86 से मे शुरू होता है और एक बीच में आता है 89 विच इज शैल. अब हमें करना है 91 एंड 92. अब मेरी वीडियो अटक रही है क्या या ऑडियो अटक रही है, कुछ पूछ रहे थे सर आप? नहीं, वो आयुषी और सही के बीच में कुछ एक डिस्कशन अच्छे चल रहे थे. मैं मिस किए क्लास है मैंने. यस, बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहे थे. कुछ शेयर आस्किंग मैं भूल गया वो कहाँ, दो तीन चीजें मैंने पूछी. बहुत बढ़िया था, तो 73 था, एक और कहीं पे भी आपको बताया था, बहुत बढ़िया था. तो एम इज दैट हैव अ लुक एट दैट, अपने आप समझ में आ जाए कहाँ. अभी आयुषी हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है, सो आपको यूट्यूब पे अभी के लिए ये वीडियोस मिल जाएंगी. एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ लैंडिंग पेज जिसमें हम एविडेंस एक्ट के सारे लेक्चर्स बाद में डाल देंगे, तो कल या परसों तक वो लैंडिंग पेज हो जाना चाहिए, उस पर आपको बाकी की वीडियोस मिल जाएंगी. अभी एक यूट्यूब पे है तो यू कैन चेक दैट आउट, द फर्स्ट वन. ओके, थैंक यू. ऑल राइट, देन आप जो कह रहे हैं यूट्यूब पे है, कौन सा वाला है, मतलब क्या सर? यूट्यूब चैनल भी शेयर कीजिए प्लीज. जो YouTube पे आप लॉयर्स ऑफ इंडिया डालोगे तो आ जाएगा. YouTube पे सर वो वीडियो डाली जो पहली एविडेंस की वीडियो थी ना, वो डली हुई है. जो हमने एविडेंस का पहला वीडियो किया था वो उस पे डाला हुआ है, तो वो वहां पे चेकआउट कर सकते हो आप जिन्होंने नहीं लिया था एविडेंस एक्ट. ओके, अभी एकदम क्लियर है ना, कहीं पे अटक तो नहीं रहा है, ऑडियो भी नहीं वीडियो भी नहीं? ठीक है, क्या कह रहे हो सर? फिलहाल तो क्लियर है, चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड. अब हमने 90 तक कवर कर लिया था, लास्ट 90A तक हमने कवर कर लिया था. नाउ वी हैव टू गो अहेड विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इसके अंदर सिर्फ दो सेक्शंस पे हम टाइम लगाएंगे, उसके आगे हम धड़ाधड़ भागेंगे आज, बिकॉज वी हैव टू कवर अप टिल 118 एट लीस्ट टुडे. एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे. वी विल कंटिन्यू विद आईपीसी, देन वी बहुत पीछे छूट चुका है वो, एंड दैट इज नॉट आवर एजेंडा. सो लेट्स स्टार्ट. अब 91 तक पहुंचने से पहले हमें एक बार वापस जाना होगा 59, 60, 61, 62 जो हमने पढ़ा, ठीक है, और उससे भी पहले 22 पे. तो 22 पे हमने पहली बार जब हम एडमिशंस की बात कर रहे थे, रेलिवेंसी की बात कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि ओरल accounts of the contents of documents, oral admissions as to the contents of documents are not allowed, generally not allowed, जब तक genuineness की बात ना हो रही हो. तो सबसे पहली बार जब हम सुनते हैं कि क्या हम oral accounts, oral admissions ला सकते हैं documents के लिए, वो हम 22 में सुनते हैं, तो पहली बार हमें वहां पे मना किया जाता है, ठीक है. उसके बाद दूसरी बार हमें कहां पे मना, जब हम
61 से 65 की बात करते हैं, वहां पे हमें मना किया जाता है कि भाई साहब यहाँ वहां पे भी फिर से हम बेस्ट एविडेंस रूल लगाते हैं, और उसके बाद हमें 91 में मना किया जाता है, फिर 144 में मना किया जाता है. अब 59 एंड 60 जो थे वो हमें सबसे पहले बताते हैं ओरल एविडेंस के बारे में. अब एविडेंस दो तरह से आ सकती है, या तो आप डॉक्यूमेंट्री रिटन लेके आओ या फिर आप ओरल लेके आओ. अब डॉक्यूमेंट्री और ओरल पे हमने रूल्स देख लिए. 59 एंड 60 हमें कहते हैं कि यस यू कैन ब्रिंग ओरल एविडेंस, बट व्हेन यू ब्रिंग ओरल एविडेंस ऑलवेज ब्रिंग डायरेक्ट एविडेंस, डू नॉट ब्रिंग हियरसे, वो एडमिसिबल नहीं होगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद हमने देखा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में. हमें 61 ने बताया कि आप दोनों तरह से प्रूव करो, 61 में दोनों तरह से प्रूव करो, सेकेंडरी भी प्रूव करो, प्राइमरी भी प्रूव करो. जहां जहां पे आपके पास प्राइमरी है वो प्रूव करो, और सेकेंडरी आप तब ला सकते हो जब आपको लॉ कह दे कि ठीक है आप प्राइमरी की जगह सेकेंडरी ले आओ. राइट, ये देख लिया हमने. और फिर हमें उसने ये भी बता दिया कौन कौन सी सिचुएशंस में प्राइमरी लग सकता है और कौन कौन सी सिचुएशंस में सेकेंडरी लग सकता है. अब हम आ गए 91 के ऊपर. अब 91 हमें और अच्छे से बताएगा कि जो हमने 59, 60 और 61 से 65 देखा ओरल वर्सेस डॉक्यूमेंट्री, वहां पे कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे ओरल को पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है. और ये इसलिए किया जाता है ताकि एक पार्टी जो ओरल लाने की कोशिश कर रही है और एक पार्टी जो डॉक्यूमेंट्री लाने की कोशिश कर रही है, उसमें डॉक्यूमेंट्री जो ला रही है ना उसको जबरदस्ती की पीड़ा ना सहनी पड़े, जबरदस्ती अनफेयर गेम ना हो जाए उसके लिए. ठीक है, सो 91 हमें बोलता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट. अब हमें ध्यान रखना है इस पे, पहली बात तो क्वेश्चन बनता है, तो क्योंकि हम AIB और APO वाले लोगों के लिए स्पेशली ये रिविजन टाइप कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है. तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है, 91 किन किन चीजों की बात करता है. और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि इसके अंदर हर तरह का रिटन डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है, इसके अंदर तीन तरह के रिटन डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड ग्रांट्स, एंड देन अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो और एक और चीज है एनी मैटर विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट. सो ये चार चीजें आ रही हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और हम आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इसमें इसकी इलस्ट्रेशन ई पढ़ते हैं, डी भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं. उनके अंदर ओरल एविडेंस को एडमिट किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और अगर हम वो नहीं समझते तो आगे हमें कुछ भी समझ नहीं आता. तो एक एक करके 91 पढ़ना शुरू करते हैं, 92 पढ़ना शुरू करते हैं. लेट्स गिव देम 10-15 मिनट्स एंड देन वी विल पेस. सो राघव जी, यहां पे आई गॉट वन डाउट. व्हेन वी से एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वन इज दिस, एंड सेकंडली यू नो इन एंड इन ऑल केसेस इन व्हिच एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी ड्यू टू द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी. कुछ हमने पढ़ा था कहीं पे, ये मेरे को ऑफन ध्यान नहीं आ रहा. आपने बोला डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का क्या एग्जाम्पल है? नहीं, एक तो ये है, दूसरा एक है कि in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of document, इसका कोई एग्जाम्पल था, कहीं पढ़ा था, ध्यान नहीं आया. सर जैसे आपका, जैसे हम बात नहीं करते रहते वो डाउरी प्रोहिबिशन रूल्स में कि इसको आपको लिस्ट बनानी है, रिड्यूस इट टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना? तो हम डाउरी में कुछ भी सामान दे रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, दैट इज व्हाट लॉ इज प्रोवाइडिंग, कि रिड्यूस इट टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, है ना? इसी तरह से एक FIR FIR बोलती है ना कि आपको यू विल रिड्यूस इट टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, 154 में लिखा हुआ है. गॉट इट, है ना? स्पेशली बोलता है फोर्थ विद रिड्यूस इट टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एग्जैक्टली एनी वर्ड्स में बोलता है. तो वहां पे भी आप फिर ओरल बातें नहीं लेके आओगे, जो लिखा है वो लिखा है. ठीक है ना? और ये डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का कुछ याद है क्या? सॉरी, एक बार वो सारे सेक्शंस फिर से बता दीजिए ना. 22 रेड विद 22 59 से 65, हां 91 92, डॉक्यूमेंट
एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट. सबसे पहले समझ लेते हैं ये तीन चार चीजें होती क्या है. पहली बात कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताती है. आपके और मेरे बीच में मैंने कोई प्रॉमिस किया, आपने वापस प्रॉमिस किया, हमने एक कंसिडरेशन चिपकाई उसके साथ, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, हम लोगों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. हमारे बीच में कैपेसिटी सही होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें भी ठीक होनी चाहिए, फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हम सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14 अप टिल 2021, 22 तक हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो हमें पता चल जाता है कि क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. देन देयर इज अ ग्रांट. ग्रांट हो गया भाई, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी ग्रांट, मैंने ट्रस्ट में कुछ ग्रांट कर दिया, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, किसी भी तरह की मैंने ग्रांट कर दिया, कुछ भी ग्रांट कर दिया. ठीक है ना, तो कई बार कहां कहीं, जैसे एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गिफ्ट जैसे होता है उसमें हमें दो लोगों की अटेस्टेशन भी चाहिए होती है और साथ में ये राइटिंग में भी चाहिए होता है जब भी कुछ गिफ्ट किया जाता है. कहां लिखा है 123 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है, उसी तरह से सेक्शन 59 मॉर्गेज की बात करता है, वहां पे भी अगर आपकी 100 रुपए से ज्यादा की चीज है तो आपको राइटिंग में डालनी पड़ती है. तो इस तरह के ये कुछ होते हैं ग्रांट्स एंड डिस्पोजिशंस. डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हम सब लोग जानते हैं, जब भी हम डिस्पोज ऑफ करेंगे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, यही सारी चीजें इसमें आती हैं. तो और दूसरा हमने बात करी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बोलता है कोई भी चीज कहीं पे दे रहे हो तो उसकी आप लिस्ट बना लो. 154 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जब भी कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आएगा तो फोर्थ विद यू विल रिड्यूस इट टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट. हो रही है तो उनको हम यहाँ पे डालेंगे. एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ सच मैटर. सच मैटर कौन सा है? मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म. ठीक है, तो ये जो सच मैटर लिखा है वो ऊपर वाला चौथा पार्ट है, मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट. अब इसका आप कोई भी एविडेंस नहीं दोगे, सिर्फ कौन सा एविडेंस दोगे, एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. पहली चीज आप डॉक्यूमेंट खुद लेके आओ, जब वो है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में तो आप डॉक्यूमेंट लेके आओ. और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स इन केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल. और हमें कहां पे पता चलता है कि सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है? 63 एंड 65 को जब हम साथ में रीड करते हैं तो हमें पता चलता है सेकेंडरी एविडेंस कौन सा लाया जा सकता है और कब लाया जा सकता है. अंडर द प्रोविजन हेयर इन बिफोर मेंशन. हेयर इन बिफोर का मतलब यही है 63 एंड 65. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है. पहला कि सर दो तरह के एक्सेप्शन दिए हैं. नाउ पहला एक्सेप्शन है व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर द राइटिंग बाय व्हिच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड. अब जब हमें पता है कि कोई जज को अगर अपॉइंट किया जाएगा तो सर्टेन एक्ट के अंडर किया जाएगा, सर्टेन गैजेट में नोटिफिकेशन होते हैं गैजेटेड ऑफिसर्स की. अब जैसे एसपी से ऊपर के ऑफिसर जो होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग एक प्रॉपर लॉ के अंडर ही अपॉइंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पुलिस एक्ट ले लो, यूपी पुलिस एक्ट अगर हम ले, मुझे यहीं का पता है, तो अगर हम यूपी पुलिस एक्ट ले तो उसके अंदर सेक्शन 8A, सेक्शन 20, ये सारी चीजें सर्टिफिकेट के बारे में बात करती हैं. जब आप एक पुलिस ऑफिसर बनते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको कैसे सरेंडर करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीजों के बारे में जब कहीं पे दिया हुआ है कि राइटिंग में ही होगा, देन सच पब्लिक सर्वेंट व्हेन ही इज एक्टिंग एज सच पब्लिक सर्वेंट, आप उसको आपका ये चीजें जो है ना कि ऑब्वियस है कि अगर कोई खड़ा वीडियो दोनों बहुत रुक रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूटी टूट जाएगी. बंद कर देता हूँ सर वीडियो, अभी ठीक आ रही है? हाँ तो ठीक है. तो जब ऐसे मैटर्स होते हैं ना तो ये टाइम बचाने का तरीका है. लॉ ने कहा है कि इन चीजों पे आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे. आपके सामने एसीपी साहब खड़े हैं, वो कोई बातचीत बता रहे हैं, भाई अच्छी वो फैक्ट्स वगैरह बता रहे हैं, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, आप कह रहे हो भाई पहले प्रूफ करो तुम एसीपी हो. अरे आप मान के चलो वो एसीपी है भाई, आप उन्हें ये नहीं करो कहोगे कि भाई तुम्हारी जो अपॉइंटमेंट है वो तो एक सर्टिफिकेट के थ्रू होती है और सर्टिफिकेट तो एक आपका रिटन फॉर्म में होता है,
तो आप उसको लेके आओ पहले यहाँ पे, प्रूव करो कि आपकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुई है, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पहला एक्सेप्शन ये है। उसके बाद आ गया एक्सेप्शन टू, विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। प्रोबेट क्या होता है, आप जब रजिस्टर करा देते हो विल को तो आपको एक कॉपी मिल जाती है, प्रॉपर रजिस्टर जब हो जाता है उसकी अगर आप सर्टिफाइड कॉपी ले आओगे तो आप उससे प्रूव कर सकते हो आपको। और तो यहाँ पे इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दी, आप लोग भी अपनी वीडियोस बंद कर लो, आप सब लोग भी अपनी वीडियोस बंद कर लो, ठीक है। सो अभी आवाज आ रही होगी, आई आवाज तो आई है, ठीक है। सो अब आगे एक्सप्लेनेशन वन, दिस सेक्शन इक्वली अप्लाइज टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट्स और डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्ड टू आर कंटेन्ड इन वन डॉक्यूमेंट एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेन्ड इन मोर डॉक्यूमेंट्स देन वन। अब हमने पीछे एक सेक्शन में बात करी थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में हो सकते हैं, काउंटर पार्ट्स में भी हो सकते हैं और सेवरल पार्ट्स में भी हो सकते हैं। आई थिंक वो कॉन्सेप्ट हमारे हम सबको क्लियर था। नाउ यहाँ पे इस चीज को डालने का क्या मकसद है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जब भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ग्रांट होगा, डिस्पोजिशन होगा, वो एक तरह एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी है, ये तो अलग अलग पार्ट्स में है। नहीं सुना, नहीं आई आवाज, बीच की गई थी आवाज। अच्छा, I'll say it again sir. So अभी explanation one says that this section applies equally to cases in which contracts, grants or dispositions of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one. ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम illustration A पढ़ेंगे, मगर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ ये कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे आया है कि अगर एक डॉक्यूमेंट को हमने सेवरल पार्ट्स में बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे और टंडन सर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमने एनडीए अलग से लगाया है, बाद में जाके हमारे बीच में और मटेरियल सप्लाई करने की कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हमने उसको एक अलग डॉक्यूमेंट में डाल दिया, हमने कहाँ पे हमारी ज्यूरिसडिक्शन होगी हमने उसे एक अलग डॉक्यूमेंट में डाल दिया, तो ऐसी कोई बार तो नहीं है हमारे ऊपर कि हमें जब एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो हम एक ही बार में एक ही जगह बैठ के एक ही बार तो वी कैन मेक एडेंडम्स राइट। तो अब एक्शन विच सेज कि जब भी एक चीज राइटिंग में है तो आप राइटिंग को ही लेके आओगे, ओरल एविडेंस से नहीं उसे प्रूव करोगे। दिस अप्लाइज टू सिंगल पीस डॉक्यूमेंट आल्सो एंड मल्टीपल पीस डॉक्यूमेंट एज वेल। तो किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि मेरे पास जो मेन डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट है उसे तो मैं कर दूंगा राइटिंग से, मगर जो उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैं शायद ओरल से कर सकता हूं, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर ए विच सेज इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स ऑल द लेटर्स इन विच इट इज कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव्ड। डज दैट मेक द एक्सप्लेनेशन वन क्लियर? एक्सप्लेनेशन वन कह रही है कि अगर सेवरल पार्ट्स में भी एक डॉक्यूमेंट है तो आपको सेवरल पार्ट सबको प्रूव करना होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं एक पार्ट कर देता हूं, दूसरा कर देता हूं, बाकियों को तो ओरल से कर दूंगा, मेन पार्ट को कर देता हूं, एनडीए को नहीं करता, ज्यूरिसडिक्शन वाले पार्ट को मैं ओरल से कर देता हूं। जो सेवरल पार्ट वाला था वो हमने किसमें पढ़ा था, एक मैं सडनली भूल रहा हूँ कौन से सेक्शन। 62 चेक करो, 62 चेक करो। जब 62 में हमें बताया गया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो हमें बताया गया कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट सेवरल पार्ट्स में हुआ है तो वो सारे पार्ट्स प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं, और जब वो काउंटर पार्ट्स में हुआ है तो जो काउंटर पार्ट्स जिसने साइन किया है उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना। 62 में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन वन। अब एक्सप्लेनेशन टू भी इसी के साथ कनेक्टेड है, 62 के साथ। कहती है Where there are more originals than one original only need be proved. अब हमने कई सारे originals निकाले एक document के,
आप उसका सिर्फ एक प्रूफ कर दो, ये इसमें किसी को कंफ्यूजन है या हमें वापस जाना पड़ेगा पिछले प्रोविजंस पे? राघव जी, इन अ सेट ऑफ थ्री यानी ये काउंटर पार्ट्स हो गया ना, इलस्ट्रेशन थ्री, इलस्ट्रेशन थ्री कौन सा, सी कह रहे हो क्या? हाँ सॉरी सी. हाँ तो अगर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन सेट ऑफ थ्री किया है तो काउंटर पार्ट तब होगा जब हम काउंटर पार्ट्स होते हैं जब मेरे पास एक सेट है और आपके पास एक सेट है, तो मेरे सेट का काउंटर पार्ट आपके पास है, आपके सेट का काउंटर पार्ट मेरे पास है, ठीक है ना? तो अगर मैंने सेट ऑफ थ्री किया है और मेरे पास वो तीनों प्राइमरी मेरे पास पड़ी हैं, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, जैसे मैं वो आप लोगों में बांट दूंगा वो काउंटर पार्ट्स हो जाएंगे. Okay. आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके अगेंस्ट वो एक प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा. और जो ए वाला है वो सेवरल पार्ट्स का एग्जांपल है ना? हाँ वो सेवरल पार्ट्स है, ठीक है. सो एक्सप्लेनेशन टू कह रही है वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन, वन ओरिजिनल ओनली नीड बी प्रूव्ड. आप एक ओरिजिनल को प्रूव कर दो जब, क्योंकि यार अब सब, अब एक डॉक्यूमेंट है वो आपने उसकी तीन कॉपीज निकाली है प्राइमरी. आपने तीन बार उसको प्रिंट किया है, तीन कॉपीज निकाली है, वो तीनों में सेम कंटेंट है, सेम कंटेंट को आप तीन बार थोड़ी प्रूव करोगे, एक बार प्रूव कर दो बहुत है, बार बार प्रूव थोड़ी करने को बोलेंगे आपको, करेक्ट? अगर कुछ चेंजेस हैं उनमें, क्योंकि अब जब हम काउंटर पार्ट्स की बात करते हैं तो उसका पूरा का पूरा लॉजिक क्या था कि जो बंदा साइन कर रहा है उसके अगेंस्ट ही वो माननीय होगा, उसका लॉजिक क्या था कि भाई अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सोनिया मैम के साथ, एक अजय के साथ, एक गोपाल सर के साथ, एक टंडन सर के साथ, और हम सबकी लाइबिलिटीज अलग अलग हैं, तो हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग हैं, हम अलग अलग लाइबिलिटीज पे साइन करते हैं, अलग अलग लाइबिलिटीज को अपने अगेंस्ट मूव करने देते हैं, है ना? तो हम उन्हीं चीजों के लिए लायबल होते हैं जिन चीजों पे हम साइन करते हैं, जिन टर्म्स पे हम साइन करते हैं. मगर अगर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम सेम बने हुए हैं, सब एक ही ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल के जैसे हैं, तो अब सबको प्रूफ करने थोड़ी बैठेंगे हम, एक प्रूफ कर दिया बहुत है. इज दैट राइट? क्या इस लॉजिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? Any issues, anybody? No issue. All right, ठीक है. So, do not hesitate. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाकियों को समझ आ रहा है, मुझे तो नहीं आया, आप प्लीज चैट में लिख दोगे भाई मुझे समझ नहीं आया, तो हम अभी भी ले लेंगे या बाद में भी, I can explain it later as well. Then आगे हमारा explanation 3. Explanation 3 says the statement in any document whatever of a fact other than the facts referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact. अब इसके लिए हम आ जाते हैं डी पे. एक बार इलस्ट्रेशन डी देख लो. अब डी कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग विद बी फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स. द कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेजन. On another occasion, contract के अंदर किसी और contract को सिर्फ जिक्र कर देता हूं किसी और contract का, उसकी वजह से ये मतलब नहीं हो जाएगा कि सर आप कहो कि वो तो यार writing में उसका जिक्र किया गया है एक written contract में, तो हम उसको भी धकेल देते हैं exclusion वाले rule में 91 में. नहीं, मेरे हो सकता है मेरे और टंडन सर के बीच में आज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ राइटिंग में कि भाई मैं अपना घर इनको बेचूंगा. उससे पहले मेरा इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, से सपोज कुछ पैसों को लेकर हुआ था कि मैं इतने पैसे आपको देता हूं इतने टाइम में आप मुझे वापस दे देना. मैं वो चीज यहाँ पे मेंशन करता हूं कि हम मेरे और आपके बीच में, मेरे और टंडन सर के बीच में आज हम सेल कर रहे हैं और हम दोनों के बीच में एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लगभग 6 महीने पहले जहां पे सर ने मेरे से कुछ 10 लाख रुपए के आसपास लिए थे, तो हम वो पैसा भी इस सेल में एडजस्ट कर लेंगे. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है ना?
मैं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज का एडजस्टमेंट कर सकता हूं, मगर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा जबकि वो सिर्फ एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट था। सॉरी आयुषी, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है, वही मैं बोल रही हूँ कि अटक अटक के आ रही है बाकी लोग। अब मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब जब जब कट अटके तब तब मुझे बताते रहना, दैट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। आई थिंक वेदर इज नॉट गुड। हाँ वेदर थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही रहता है। एनीवेज अभी आ रही है ना आवाज? अभी आ रही है। ठीक है तो मोबाइल से कर रहे हो आप या ब्रॉडबैंड पे कर रहे हो? ब्रॉडबैंड पे हूँ सर, ब्रॉडबैंड में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है तो अभी सुन कहाँ तक लिया था आपने ये बताओ? आपने कहा था कि एडजस्ट कर लेंगे मैं और टंडन सर। ठीक है तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने और टंडन सर ने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट कि पिछला एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको हम तो क्या पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो रिटन नहीं था वो भी इन सेक्शंस के चंगुल में फंस जाएगा क्या? उसके ऊपर भी हम 91 को अप्लाई कर देंगे? मतलब अगर आपने उसको मेंशन किया है कि भाई ये अग्रीमेंट हुआ था ओरल अग्रीमेंट एंड नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू राइटिंग। नहीं ये कहां बोला कि इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू राइटिंग? हमने तो सिर्फ मेंशन किया है कि ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ओरल थी, वो अपने आप में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इस रिटन कॉन्ट्रैक्ट में मैं सिर्फ मेंशन करता हूं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था हम उसके पैसे यहां एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या कि एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था व्हिच हैज बीन सबसीक्वेंटली रिड्यूस्ड टू राइटिंग नाउ? कहां हुआ रिड्यूस्ड टू राइटिंग? अरे अभी जब आपने मेंशन किया तो इट हैज गॉट द इफेक्ट ना फॉर, मतलब ऐसा पहले अग्रीमेंट हुआ था अब मैंने मेरे मेंशन कर देने से उसकी टर्म्स थोड़ी मेंशन करी मैंने तो सिर्फ यही मेंशन किया कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की आपकी ना आवाज अभी आई नहीं रही है आयुषी। व्हाट आई कैन मेक आउट व्हाट राघव इज सेइंग कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर उसको जो आप कह रहे हो रिड्यूस टू राइटिंग का वैसा नहीं हुआ है कि पहले हुआ अब ना उसको फॉर्मल उसको रिड्यूस कर लेते हैं राइटिंग में। नो इट इज जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है मेरे का वहां पे ही इज जस्ट मेंशन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि ऐसा एक बात का जिक्र हो रहा है सर। हाँ तो सिर्फ मेंशन कर देने भर से इट विल नॉट गेट द इफेक्ट ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ राइटिंग क्योंकि जो मैंने पहले टंडन सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था पैसों को लेके उसमें क्या सिर्फ यही टर्म थी कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और आप इतने पैसे मुझे वापस दोगे? उसमें तो ये टर्म्स भी होंगी ना कि ये इतना पैसा मैं किस चीज के लिए दे रहा हूँ सर आपको, ये पैसा आप कब मुझे लौटाओगे, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में लौटाओगे, अगर उसमें कुछ लफड़ा हुआ तो हम जुरिस्डिक्शन कहाँ की रखेंगे, ये सारी टर्म्स के बारे में मैंने कुछ मेंशन किया क्या? मैंने सिर्फ रेफर किया एंड मियर रेफरेंस टू एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट आवाज गई टू प्रूव द वन दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ राइटिंग। आयुषी इज दैट क्लियर? आई थिंक चांसर वांट्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग, लेट्स लिसन टू हिम आल्सो। एक बार सर ये एक्सप्लेनेशन 3 समझा रहे हैं ना? हाँ जी मैं इसको थोड़ा कोशिश करूं सर। हाँ जी सर आयुषी कुछ कहना चाह रही है सर, उसके बाद आप एक बार बताना आयुषी। हाँ मैं ये बोल रही थी कि आज मैंने और आपने कोई चीज डिसाइड करी एंड आज हमने वी हैवंट रिड्यूस टू राइटिंग बट एक दो हफ्ते बाद हम बोलते हैं कि भाई राघव हमने पहले ये एडजस्टमेंट किया था अब हम ये भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेनेंसी का एग्जांपल ले लीजिए कि मैं आप लैंडलॉर्ड है मैं आपके घर पे टेनेंट हूँ, पहले हमने टेनेंसी का अग्रीमेंट किया एंड सब्सिक्वेंटली यू डिसाइड कि नहीं आप एक काम करो कि आप ये घर मेरे से खरीद लो, तो मैंने जो टेनेंसी का आपके साथ अग्रीमेंट किया था जो मैंने उसके लिए आपको पैसे दिए थे ओरल अग्रीमेंट में वो आप एक काम करते हो कि आप मेरे से एडजस्ट कर लेते हो मेरे सेल डीड में, तो वो हम मेंशन करते हैं हमारी सेल डीड में कि हमारा पहले इतना उसने ले लिया है
और आगे चल के मतलब पहले अग्रीमेंट होता है जिसमें आप मेंशन करते हो कि वी आर एडजस्टिंग दिस थिंग जो हमने पहले टेनेंसी का किया था और मैंने जितना पैसा उसमें रिसीव किया है मैं उसको ये सेल कंसिडरेशन में एडजस्ट कर लूंगा. लेकिन अगर आगे चल के ऐसा होता है कि आई रिफ्यूज टू और यू रिफ्यूज टू डू द सेल डीड एंड वो अग्रीमेंट के ऊपर हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं कोर्ट में, तो ये जो अग्रीमेंट है बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग रिड्यूस्ड टू राइटिंग इन द अग्रीमेंट ऑफ सेल इट हैज द इट विल हैव दैट सेम इफेक्ट यानी ऑफ सेक्शन 91. आप रिड्यूस टू राइटिंग का कांसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो आयुषी. रिड्यूस टू राइटिंग और रेफरेंस में बहुत फर्क है. Is there anybody who is confused just like Ayushi? या बाकी सबको क्लियर हो रहा है? रेफरेंस एंड रिड्यूस टू राइटिंग के बीच का फर्क बाकी सब लोगों को क्लियर है क्या? क्लियर है. सोनिया जी. हाँ जी सर. हेलो सोनिया मैम. नंदिनी गोपाल सर अजय. हाँ जी सर. हाँ जी सर. हाँ जी सर. ठीक है ठीक है. तो अभी गोपाल सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो शायद उससे आयुषी को थोड़ा सा क्लैरिटी आए. आयुषी ये एक्सप्लेनेशन थ्री जो है ना इसको सिंपल में इस तरह देखा जाए तो ये इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग. जो कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो बना है उसके कंटेंट्स में नहीं है और बाद में किसी बात पर दोनों या जो भी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की उनमें कोई नई बात सहमति बन जाए उसके लिए ये ओरल, क्योंकि बाद में हुई है वो ओरल हुई है तो ओरल हुई है उसको ओरल की तरह किया जा सकता है, उसको प्रिक्लूड नहीं करने के लिए कह रहा है. अब मैं आपको एग्जाम्पल से शायद समझाने की कोशिश करूँ. मान लो मेरा और कर्नल साहब के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ. कर्नल साहब के ने बोला कि मेरे को आप 100 जो है ये बोरा आपको भेजना है सीमेंट का. मैं बोला ठीक है मैं भेज देता हूँ. तो कर्नल साहब ने बोला नहीं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि मुझे गुड़गांव में देना है या मुझे फरीदाबाद में देना है या ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है क्योंकि उस टाइम डिसाइड नहीं था कर्नल साहब की तरह से. कर्नल साहब ने बाद में इसको डिसाइड करके दिया कि आप एक काम कीजिए इसको आप जो है वाराणसी भेज दीजिए. तो ये वाराणसी जो भेजा है हमने होटल में या कहीं बाद में डिस्कस किया है तो ये बाद की सहमति है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ये, बाद में सहमति हुई. इस सहमति को ओरल जो है उसे ओरल एविडेंस देकर आप कर सकते हो. ये इसका मीनिंग मेरे हिसाब से. सर गोपाल सर आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा गलत चले गए. हाँ आपने एग्जांपल जो दे दिया ना आपने दे दिया 92 में जो एक्सेप्शन दे रखा है. ये प्रिक्लूड करने की जो बात कर रहा हूँ ना उसका कर रहा हूँ मैं सर. आप दे सकते हो कंटेंट में नहीं है लेकिन बाद में दे सकते हो. नहीं नहीं ये आपने ना 92 के प्रोविजो 4 का एग्जांपल दे दिया वो एक अलग बात है. यहाँ पे बात हो रही है कि आपने किसी भी चीज को सिर्फ देखो उसकी लैंग्वेज समझो. एक्सप्लेनेशन 3 कहता है द स्टेटमेंट in any document whatever of a fact other than the facts referred to in this section. ये राघव जी ये जो मैं जो लिखा है ना मैं जो लिखा है वो ज्ञान सर ने जो जैसे बताया ना वैसे एक सेम लाइन लिख रखी है मैंने. हाँ, वो थोड़ा सा सर कंफ्यूजिंग हो रहा है मैं आपको बताता हूँ. वो मिक्स अप हो जाएगा 92 के प्रोवाइड को. क्लियर कीजिए तो स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट व्हाटएवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन मनी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और डिस्पोजिशन और ग्रांट. अगर आपने इन चीजों के अलावा किसी चीज का मेंशन भर किया है सिर्फ मेंशन कर देने से ये नहीं हो जाएगा कि आप उस चीज का ओरल एविडेंस नहीं ला सकते. क्योंकि ऐसे में कोई बदमाशी कर सकता है. हमारे बीच में कोई ओरल एविडेंस हुआ था जो एक वैलिड ओरल एविडेंस था. जैसे बिजनेसेस में बहुत सारे ओरल एविडेंसेस होते हैं. सारी चीजें रिटन नहीं होती इतना माल इतने टाइम पे यहाँ पे पहुंचाना है. बट उसी के साथ साथ कोई अगर दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जो प्रॉपर एक कागज पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सिर्फ पिछले ओरल कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन कर देने से ये नहीं हो जाएगा कि आपको उसको भी राइटिंग से ही प्रूव करना हो क्योंकि उसकी तो कोई. हेलो राघव जी. हाँ आपकी आवाज आएगा जब तक उसका डॉक्यूमेंट नहीं आएगा. एक सेकंड
गोपाल सर, अभी यहाँ कैच ये है जो राघव सर ना कि राघव जी ने बोला कि पिछला ओरल कॉन्ट्रैक्ट और इसमें जो व्हेन ही इज टॉकिंग ऑफ जो आप एग्जांपल दे रहे हो प्रोविजो फोर का, उसमें लिखा हो डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका उसमें आ रहा है सर, एंड ही इज सेइंग पहले कुछ डिसाइड हुआ है जब ये हम राइटिंग में रिड्यूस मतलब जो अपना बात कर रहे हैं उससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट अपना ओरल हुआ है तो मैंने यही कहा सर कि कॉन्फ्लुएंस हो सकती है, जो गोपाल सर ने दिया ना एग्जांपल वो भी फिट तो बैठ जाएगा, मगर आप हम आप उससे ना कंफ्यूज कर दोगे 92 प्रोविजो 4 से, क्योंकि वहां पे भी बात क्या हो रही है कि एक सब्सिक्वेंट ओरल एविडेंस हुआ है उसको आप एडमिट कर सकते हो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको आप एडमिट कर सकते हो, मगर यहाँ क्या बात हो रही है उस सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट या पिछले कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हुआ है एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, जो बोले तो प्रायर कॉन्ट्रैक्ट बोले तो ज्यादा क्लियर होगा सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट का मेंशन हो जाने से वो कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ राइटिंग नहीं माना जाएगा, एंड रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ राइटिंग नहीं माना जाएगा तो उसको आप राइटिंग के थ्रू प्रूव नहीं करना पड़ेगा आपको, आप उसको नॉर्मल जैसे वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट था आप ओरल एविडेंस से उसको प्रूव कर सकते हो, सिर्फ मेंशन हो जाने से एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, वो ओरल ही रहेगा। आयुषी कुछ क्लैरिटी आ रही है इस पे? हाँ मेरा पूरा क्लियर हो गया अभी, मुझे ये कहना है कि जस्ट कोई चीज का हमने प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ मेंशन किया है बट देन उसको डिटेल में नहीं किया यानी कंसिडरेशन वगैरह, तो वी कैन दैट विल नॉट प्रिक्लूड अस फ्रॉम गिविंग ओरल एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू द सेम। करेक्ट करेक्ट, वो अपने आप में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया ना, मैंने एडजस्टमेंट का एग्जांपल दिया, तो मे बी आप इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि मैंने कुछ कंसिडरेशन से रिलेटेड बोला, तो आपने कहा कि यार ये तो लिखा गया यहाँ पे तो वो अपने आप। अगर मैं किसी इररिलेवेंट पार्ट का मेंशन कर देता आयुषी, अगर मैं कह देता कि सर पिछली बार हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें हमने ज्यूरिसडिक्शन रखी थी दिल्ली, बट नाउ बिकॉज हम दोनों ही देहरादून में रहते हैं तो यहाँ पे हम उसको हमारी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हम देहरादून रखेंगे, मैंने सिर्फ मेंशन किया है, उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट पे, मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया कि क्योंकि हमने पिछली बार दिल्ली किया था एक कॉन्ट्रैक्ट में, एग्जैक्टली मैंने यही लिखा है, इन अ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट आर ज्यूरिसडिक्शन वॉज दिल्ली, जस्ट सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस, आई वॉन्ट टू मेक एन एक्सप्रेस मेंशन दैट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट we are changing our jurisdiction to Dehradun without any effect to the previous contract. अब मैंने सिर्फ mention किया previous contract. क्या उसकी वजह से वो एक reduce? राघव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रशांत का माइक अनम्यूटेड है उसकी। हाँ वो मैंने म्यूट कर दिया, मैंने म्यूट कर दिया। अभी मैंने जो बोला वो क्लियर हो गया आपको? नहीं आपने एक मिनट जो बोला वो सुनाई नहीं दिया। अच्छा मैं फिर से बताता हूँ। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, अभी सब लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लो। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने कंसिडरेशन का एग्जांपल दिया कि मैंने कंसिडरेशन के बारे में कुछ मेंशन किया, मैंने बोला ना कि हम पिछले पैसों को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। अब समझो लॉजिक लगाना कि अगर मैंने पिछला कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक ऐसी टर्म को यहाँ पे मेंशन किया है जिसका कोई खास इंपोर्ट है नहीं। अब मैंने क्या बोला कि मैंने हमारा जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच उसमें मैंने एग्जैक्टली ये मेंशन किया है। अब ध्यान से सुनो कि टंडन सर हम आज ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में दैट यू विल बाय माई प्रॉपर्टी एंड यू विल पे सर्टेन मनी एंड सो एंड सो एंड सो 11 ठीक है, मैंने उसमें मेंशन किया अपने ज्यूरिसडिक्शन क्लॉज में कि टंडन सर आई एम एक्सप्रेसली नोटिंग इट डाउन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रीवियसली इन अ ओरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस आर ज्यूरिसडिक्शन दैट वी हैड सेट वाज इन दिल्ली।
But I want to make an express mention in this contract that our jurisdiction for this contract is going to be Dehradun, since we both are located in Dehradun now. क्या मेरे इतना mention कर देने से, उस contract की jurisdiction के बारे में mention कर देने से, वो contract reduced to the form of writing हो जाता है, या वो oral evidence ही रहता है? आपने जो एग्जांपल दिया ना उसमें आप 90% ऑफ द टाइम्स ऑडिबल नहीं थे, लेकिन जो भी आई जिससे मुझे अंडरस्टैंड हुआ, बस रेफरेंस देने से वी कैन अड्यूस ओरल एविडेंस ऑन इट. चलो एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक मिनट का टाइम देना. व्हाट आई विल डू इज आई विल जॉइन यूजिंग माय फोन. आई थिंक दैट विल मेक थिंग्स क्लियर. दैट उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने जुरिसडिक्शन की बात करी थी, उसकी वजह से कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आई वांट टू एक्सप्रेसली मेक इट क्लियर इन दिस प्रोविजन दैट आवर ज्यूरिसडिक्शन विल नॉट बी दिल्ली बट इट विल बी देहरादून बिकॉज नाउ वी बोथ लिव इन देहरादून. क्या मेरे इतना कह देने भर से कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट में हमारी ज्यूरिसडिक्शन कुछ और थी और अब हम कुछ और कर रहे हैं, सो दैट थिंग्स आर क्लियर. पिछला कॉन्ट्रैक्ट एक रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ राइटिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, या वो सिर्फ एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है? ओरली रहेगा वो. और अगर वो ओरल ही रहता है तो मैं उसे प्रूव कैसे करूंगा? बाय ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस सिर्फ डायरेक्ट होना चाहिए और कोई कंडीशन उस पे है नहीं. तो कहने का सिर्फ मतलब इस एक्सप्लेनेशन का ये है कि भाई सिर्फ मेंशन कर देने से आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि वो इन रूल्स के अंडर आ जाएगा एंड उसकी ओरल एविडेंस प्रिक्लूड हो जाएगी. आप उसमें ओरल एविडेंस ला सकते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन डी एंड ई, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डी एंड ई. डी कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग. राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने बी के साथ, किस चीज के लिए? फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स. कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, टर्म्स लिख दिए. द कॉन्ट्रैक्ट मेंशंस द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो contracted for verbally on another occasion. उसने सिर्फ अपने contract में ये लिखा है कि पहले हमने एक contract किया था. सिर्फ ये facts mention हुआ है कि हमने पहले एक contract किया था जिसमें आपने so and so price मुझे pay किया था, और आगे भाई आज की date में आप मुझे ये contract, ये price pay करोगे. ठीक है, पिछले वाले का सिर्फ mention हुआ है. तो आगे वो क्या बोलता है? Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo. The evidence is admissible. तो अगर एक नॉर्मल केस होता जिसमें हमारा पिछला कॉन्ट्रैक्ट भी राइटिंग में होता, तो हम आज की डेट में अगर ये कह रहे होते कि पिछली बार हमारा ये प्राइस सेट हुआ था, आपने पिछले वाले की पेमेंट तो करी नहीं, तो नॉर्मल केस में अगली पार्टी आके बोल सकती थी कि भाई साहब पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना उसका कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में लाओ. आपके मुंह से बोल देने से नहीं मान जाएगी कोर्ट. हम वहां पे ये रोका टोकी कर सकते थे. मगर क्योंकि यहाँ पे वो मेंशन करता है कि पिछला कॉन्ट्रैक्ट ओरल कॉन्ट्रैक्ट था और यहाँ पे सिर्फ उसका मेंशन किया जा रहा है, तो पिछले वाले का हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं. हमारे ऊपर कोई ऐसा रूल नहीं लागू हो जाएगा कि आप उसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आओ, क्योंकि आपने यहाँ इस डॉक्यूमेंट में उसे मेंशन कर दिया. अरे भाई उसका तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ही नहीं, वो बस एक ओरल एविडेंस था. उसको यहाँ मेंशन कर देने से वो एक डॉक्यूमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पैदा नहीं. आवाज गई राघव जी? सर अभी तक आवाज गई भी है क्या मेरी? हाँ वो ठीक है, वो आपने जो लास्ट बोला वो सुन लिया था, उसके बाद एकदम सडन साइलेंस हो गया. यू नॉट ऑडिबल राघव जी. Audible now? Yeah, better. जब भी आप पूछते हो audible now, तो only that thing is audible and उसके बाद again it becomes not audible. नहीं, अब मैंने फिर से switch कर दिया है, so now I am on mobile data. I think अभी ये काम करना चाहिए.
एनीवेज क्या एग्जांपल मेरा पूरा सुनाई दिया था या कुछ गड़बड़ हुई थी? सुन गया था। ठीक है, तो हमें इलस्ट्रेशन डी पूरी तरह से प्रॉपर समझ आ गई है? यस। सबको समझ आ गई? कोई भी ऐसा है जिसको ना समझ आई हो? सोनिया मैम, अजय, नंदिनी? क्लियर सर। ठीक, अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन ई पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में देखी गई है, बल्कि ये दोनों ही एग्जाम में देखी गई है, क्योंकि ये हमें समझ आती नहीं है और कोई समझाता भी नहीं टाइम लेके। तो ई जो है वो कहती है, ए गिव्स बी अ रिसीट फॉर मनी पेड बाय बी। ए ने बी को एक रसीद दी और उसमें लिखा गया कि आपने मुझे इतने इतने पैसे पे किए हैं। ए ने बी को रसीद दी दैट यू हैव पेड सो एंड सो मनी टू मी। ठीक है, ये रसीद है बी के पास, बी के हाथ में ये रसीद है। बी कहता है, देखो जी इस रसीद पे लिखा हुआ है कि मैंने इसको इतने इतने पैसे दिए थे, मुझे इससे पैसे वापस दिलवाओ। कोर्ट पूछती है कि सर क्या एविडेंस है आपके पास कि इन्होंने आपको पैसे दिए थे? वो कहता है, भाई मैं ओरल एविडेंस देना चाहूंगा इसका कि ये पेमेंट मैंने इसको करी थी। तो ओरल एविडेंस यहाँ पे एडमिट हो जाता है। ये क्यों एडमिट हो रहा है? Because that has not been reduced to writing. क्यों? रसीद पे लिखा तो है, और कितना रिड्यूस करोगे? रसीद पे राइटिंग नहीं, यही हो रही है ना कि जब वो राइटिंग में रिसीट दे दिए तो फिर क्या, कहां से आ रही है बात? ओरल एविडेंस ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट, फिर क्या जरूरत है देने की? नहीं सर, वो तो बात आ रही है, मगर फिर भी ओरल एविडेंस को आने दिया जा रहा है। देखो ना लास्ट की लाइन क्या है, एविडेंस इज एडमिसिबल। एक राइटिंग हमारे सामने है और उसकी बजाय कोर्ट कह रही है ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल, ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उसकी जरूरत क्यों है। वही तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अरे रसीद में आप बाकी चीजें थोड़ी लिखते हो कि आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिली, क्या टाइम पे मिली, कौन से दिन पे मिली। एक रसीद सिर्फ रिसीट का ही प्रूफ होता है ना, इट इज अ मियर रेफरेंस टू द फैक्ट दैट समबडी हैज रिसीव्ड मनी फ्रॉम समबडी। अनलाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट डजंट रिसाइट द अदर थिंग्स। लाइक वेरी 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 इंटेलिजेंटली आंसर्ड एंड वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर। सच में बहुत बढ़िया जवाब दिया। सॉरी, यस, काफी बढ़िया जवाब दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया। anybody else who wants to come closer to the answer, anybody who thinks he or she can fill up better? ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये चीज इसका रीजन क्या है, why is the oral evidence admissible here जबकि एक चीज reduced to writing है, ऐसे का ऐसा आंसर आएगा। और जब आप इसके ऑप्शन देखोगे तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता, बट ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। द आंसर इज दैट देयर इज अ सिंपल रीजन, क्योंकि 91 क्या बोल रहा है भाई, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, और अ ग्रांट, ग्रांट ये नहीं है, अन अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वो भी ये नहीं है, एंड एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट ये वो भी नहीं है। किसी कोई लॉ कहता है क्या कि आपको कोई रसीद, अगर आपने पैसा दिया है तो उसकी रसीद बना के देनी ही देनी पड़ेगी? नहीं है। तो जब ऊपर चारों चीजों में ये नहीं आता, देन यू कैन गिव ओरल एविडेंस, तो वो इस रूल के अंडर आता ही नहीं है। इज दैट राइट? या या, गॉट इट। सबको समझ आ गया? मुझे एक डाउट है कि कोई लॉ नहीं कहता कि आपको रिसीट बना के देनी होगी, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। आप कहीं दुकान से कोई सामान लेने जाते हो, आप हमेशा रसीद लेके आते हो क्या उसकी? लेकिन कंज्यूमर एक्ट में बिल और रसीद में क्या फर्क होता है? नहीं नहीं, कंज्यूमर एक्ट जो कवरेज है उसकी वो अलग है, और रसीद, देखो कंज्यूमर एक्ट कहती है जब आपको
चाहिए किसी चीज का रिसीट तो आप उसको दो। आप नॉर्मली अपनी जिंदगी से जोड़ के देखो ना, आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप हमेशा रसीद लाते हो क्या? बड़ी बड़ी चीजों की भी हम रसीद नहीं लाते कई बार। Okay. आप अगर 5,000 का भी सामान कहीं से लेके आओ, 25 किलो आटा ले आओ और कुछ ले आओ, उसकी रसीद जरूरी है क्या आपको मिलेगी? राशन वाला रसीद देता है क्या? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। लॉ कहता नहीं है कि जरूरी है। अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं, बहुत इजी एग्जांपल है, आपने अपने कभी ना कभी दोस्तों से पैसे लिए होंगे, मैंने भी लिए हैं, सबने लिए हैं, तो आप जब जब पैसे लेते हो आप एक रसीद बना के देते हो क्या? क्या कहीं पे लिखा है कि हम जब जब किसी अपने फ्रेंड को लोन देंगे तो हम रसीद जरूर बनाएंगे? नहीं, नहीं लिखा। कोई और किसी को अगर कोई ऐसा लॉ पता हो जहां पे दोस्त को पैसा देने की रसीद बनाई जानी जरूरी है? So, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ये वाली जो इलस्ट्रेशन है वो इसीलिए यहाँ पे है कि आपको तब किसी चीज को रिड्यूस टू राइटिंग करना है जब लॉ ने रिक्वायर किया है, तब आपको उसे लाना पड़ेगा, तब आपको उसे 91 के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग अपना बिल रसीद जो बनाते हैं ऐसा है, वो इसलिए होता है कि अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ जी, वो हम सेफ्टी के लिए बनाते हैं। अब हम सेफ, अब देखो अगर किसी चीज का प्राइमरी एविडेंस है तो आपको 61 से 65 जो हमने पढ़ा वो कहेगा कि आप प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूफ करो। ये 91 जो है वो एक स्टेप आगे है, वो हमें स्पेसिफिक सिचुएशंस बताता है। जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्पोजिशन की, ग्रांट की, या कोई भी ऐसी चीज की जिसमें लॉ कहता है कि हमें उसे राइटिंग में ही चाहिए, जैसे कि एक गिफ्ट है 100 रुपए से ऊपर का, या जो भी वैल्यू है 123 में, 59 में मॉर्गेज है, जब लॉ चाहता है, ये स्पेसिफिक कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट केसेस है, इसके अंदर आपको राइटिंग में ही लाना है। मगर बाकी जो सारे के सारे केसेस हैं वहां पे अगर आपके पास कोई रसीद है तो भाई प्राइमरी एविडेंस बेस्ट होगा, आप प्राइमरी एविडेंस लेके आओ। मगर उसकी वजह से ओरल एविडेंस एक्सक्लूड हो जाएगा ना? ऐसा नहीं होगा। ओरल एविडेंस एक्सक्लूड होगा सिर्फ उन केसेस में जहां जो 91 कहता है कि एक्सक्लूड होगा। सो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रांट एंड अदर मैटर्स जो लॉ रिक्वायर करता है, जैसे हमारी विल है, विल लॉ रिक्वायर करता है कि भाई इसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, इसको राइटिंग में लाना पड़ेगा, तो फिर उस टाइम पे आप कोई ओरल एविडेंस नहीं लेके आओगे, आपको उसको राइटिंग में ही लेके आना है। इज दैट क्लियर? क्लियर, परफेक्ट। सो 91 को हमने इसीलिए इतना टाइम दिया, एक तो इसलिए टाइम दिया क्योंकि मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, और दूसरा इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सर हेलो। हाँ जी सर। सर मोर देन क्या बोलते हैं, अभी एक रजिस्ट्रेशन एक्ट में, यू नो, व्हेन वी कंपेयर विद द मनी व्हाटएवर इट इज स्पीकिंग द अबाउट द एक्ट, एक्ट वाज मेड एट द टाइम, नॉट नाउ ना सर। इफ द सेम एक्ट, बिकॉज द मनी इज इंक्रीज्ड, द प्राइस वाज इंक्रीज्ड, बिकॉज द ऑफेंस विल नॉट कम ऑन अंडर दैट ना सर। Sir, I'm very sorry. I could not understand the question. I think it's a complex proposition. Can you write it in the group? Yes, yes. Okay. हाँ जी, फिर I'll answer it. ठीक है? All right, let's go ahead. अब 92 जो है, it's a sort of proviso, an extension to 91. 91 पे एक बार फिर से नजर दौड़ा लो. अगर उसमें कोई problem है तो अभी बता दो, क्योंकि we'll not come back to it and it is super important. अगर evidence act में कुछ सबसे important है तो मैं कहूँगा 91. ठीक है, लेट्स कम टू 92. 92 इज एन एक्सटेंशन। गोपाल सर, आप थोड़ा सा एग्जांपल में कंफ्यूज हो रहे थे, वो 92 प्रोविजो 4 वाले में वो कंफ्यूजन दूर हो गई, क्यों हमने दूसरा एग्जांपल लिया? गोपाल सर, आर यू अराउंड? चलो, he should be back. वैसे am I audible to everybody? Yes sir, very much.
All right. अब आ जाते हैं 92 पे. 92 talks about when will you exclude the evidence of oral agreement. अब यहाँ पे क्या बात करता है कि कहाँ कहाँ पे oral evidence आप ला सकते हो. जब हम ऊपर, और ये 91 वाले केसेस में ही है, सिर्फ 91 वाले केसेस में जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं और मैटर रिड्यूस्ड टू राइटिंग बिकॉज ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम उन्हीं के एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं. तो इसको हमेशा जोड़ के रखना, कभी भी अपने अपने आप को इस चीज से अलग मत करना कि 91 टॉक्स अबाउट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. नॉट एवरी टाइम दैट यू रिड्यूस समथिंग टू राइटिंग कम्स अंडर 91. It comes under 91 only when it satisfies the circumstances and situations mentioned in 91. So, अब हम फिर से जब हम 92 में आते हैं, तो वो बात देखो उन्हीं चीजों के बारे में करता है. When the terms of any such contract, grant or other dispositions or other matter required by law to be reduced to the form of a document, उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा है. अब उन्हीं के वो exceptions बताएगा. Have been proved according to the last section. पिछले सेक्शन के हिसाब से उन्हें प्रूफ किया गया है, और पिछले सेक्शन में प्रूफ करने का क्या तरीका दिया गया है, थ्रू दैट एविडेंस इटसेल्फ, सॉरी थ्रू दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. आपने उस डॉक्यूमेंट से उसे प्रूफ कर दिया है कि हाँ जी सर, हमारे बीच में ये साइन हुआ था, अब वो ले आए कोर्ट में. नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल अग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड. तो कोई भी ओरल agreement or statement nahi aayegi as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting. Ye ho gaya aapka MCQ, bahut important. Jaise hamara jab hum CRPC mein revision ki baat karte hai na, ki revision kaun kaun se cases mein ho sakti hai, likha hai na 397 mein kis kis cases mein. Sorry, receiving a call. I was receiving a call. Cut it now. So, हमारे revision के provision में लिखा है ना कि आप कौन कौन से cases में आ सकते हो revision में. Does everybody remember? Yes, कि वहाँ पे yes. है ना? तो वहाँ पे क्या क्या लिखा है कि आप भाई correctness को लेके आ सकते हो एक order की, legality को लेके आ सकते हो, propriety को लेके आ सकते हो, रेगुलरिटी को लेके आ सकते हो, पेस ऑफ रिकॉर्ड. हाँ, तो जहां जैसे वहां पे ये चीजें लिखी है, वहां यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक चीजें लिखी गई हैं. अब उन्हीं केसेस में, उन्हीं केसेस की बात करोगे तो आपके पास ये एमसीक्यू आ सकता है कि किन किन चीजों को नेगेट नहीं किया, क्या क्या चीजें नहीं की जा सकती ओरल एविडेंस. इज गोना बी कॉन्ट्राडिक्शन, वेरिंग, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग. उसकी टर्म्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे इन चार तरीकों से. अब कब कब कर सकते हो आप, ठीक है? प्रोवाइजो वन सेज एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड व्हिच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट और व्हिच वुड एंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिक्री और ऑर्डर रिलेटिंग देयर टू सच एज फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और मिस्टेक इन फैक्ट और लॉ. यही सारी चीजें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखी थी. सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 22 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताता है. जब वहां पे ऐसी चीजें होती हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड हो जाता है या वॉइडेबल हो जाता है. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट अगर आप ला सकते हो जो एक डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर देगा, तब आप ओरल एविडेंस लेके आ सकते हो. और वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो इनवैलिडेट कर देती हैं, ये आपको याद रखनी है लिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यूज. सो इट्स गोना बी फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और मिस्टेक इन फैक्ट और लॉ. ये एक अलग क्वेश्चन हो गया कि क्या इसमें सिर्फ मिस्टेक इन लॉ आएगा या मिस्टेक इन फैक्ट भी हो सकता है. तो इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं. तो आप कभी भी अगर ऐसी चीज प्रूफ कर सको कि सर ये तो मेरे से फ्रॉड से करवाया गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया गया था, तब जाके मैंने इसे साइन किया है और अब ये लोग आ गए हैं कि अपना कोर्ट में कि भाई साहब आप तो डॉक्यूमेंट से प्रूफ करो इसे, तो ऑब्वियसली
अगर फ्रॉड हुआ है या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, देयर वर थिंग्स गोइंग साउथ एंड आई डिड नॉट हैव कंट्रोल ऑन व्हाट आई वाज डूइंग और द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आई वाज साइनिंग. तो इज इट फेयर टू टेल मी दैट आई हैव टू प्रूव इट विद दिस विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्यूमेंट? इट्स नॉट. सो पहला प्रोवाइजो कहता है कि जब भी ऐसी सिचुएशंस होंगी यू ब्रिंग ऑन ओरल एविडेंस एंड वी विल लेट यू ब्रिंग ओरल एविडेंस, राइट? Is that right? Yes. Illustration D देखें. Illustration D check करें इसके लिए. आप illustration साथ साथ लिखते रहना कौन कौन सी किसके साथ हैं. Help करेंगी आगे जल्दी पढ़ने में. So D says A enters into a written contract with B to work on certain mines, the property of B. A ने enter किया एक written contract में B के साथ कि आपकी mines पे हम काम करेंगे. वो mines B की property है. Upon certain terms, A was induced to do so by a misrepresentation of B's as to their value. तो एक misrepresentation करी गई थी, B ने misrepresentation करी थी कि इन mines की value तो सिर्फ इतनी सी है, आप इस पे काम करो हम आपको इतना दे देंगे, 10% of 1 crore दे देंगे, जबकि वो mines थी वो तो 10 crore की थी. अब 10% of 1 crore और 10% of 10 crore तो बहुत बड़ा difference है. तो दिस फैक्ट में भी प्रूव, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, आप वॉइडेबल कर दिया ना आपके अग्रीमेंट को, राइट? प्रोवाइजर टू पे आ जाते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल अग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच डॉक्यूमेंट इज साइलेंट. अब हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं आयुषी को 25 लाख रुपए में. ये डॉक्यूमेंट अपने आप में बता देता है पूरी पूरी बात कि ये गाड़ी बिक रही है, दो पार्टीज के बीच में बिक रही है और 25 लाख रुपए में बिक रही है. अब अगर मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं और उसमें लिखता हूं कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं आयुषी को, इस डेट पे बेचूंगा और बाकी सारी टर्म्स में लिख देता हूं, बस प्राइस नहीं लिखता. तो अगर एक डॉक्यूमेंट किसी चीज को लेकर साइलेंट है तो आप उसके फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, मगर उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होगी. क्या कंडीशन अप्लाई होगी? एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स टर्म्स. कुछ भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए. अगर मेरी गाड़ी एक, सपोज करो मेरे पास शेवरले की क्रूज है और वो गाड़ी ही 20 लाख रुपए की है जो 5 साल पुरानी है, तो मैं फिलअप कर सकता हूं ये कह के कि सर इन्होंने कहा था कि ये मुझे 15 लाख में बेचेंगे, हमारी बात 15 लाख में ही हुई थी. क्या मैं कोर्ट में आके ये कह सकता हूँ कि सर ये इन्होंने बोला था कि मुझे 300 करोड़ रुपए में बेचेंगे अपनी गाड़ी? अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा तो है नहीं, वो साइलेंट है, तो प्रोवाइजर टू में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैंने डाल दिया. तो वो क्या गाड़ी 300 करोड़ लिख देना या भले ही 1 करोड़ लिख देना या 50 लाख भी लिख देना या 20 लाख से कोई भी वैल्यू ऊपर लिखना, क्या वो एक इनकंसिस्टेंट चीज नहीं हो जाएगी? इज दैट राइट? Does this make sense to everybody? ये जो चीज है इसको यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं कोर्ट में. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करो, इसीलिए तो है वो बुक में, है ना? तो इलस्ट्रेशन एफ पे आ जाए एक बार. इट सेज ए ऑर्डर्स गुड्स ऑफ बी बाय लेटर इन विच नथिंग इज सेड टू द टाइम ऑफ पेमेंट एंड एक्सेप्ट्स द गुड्स ऑन डिलीवरी. ए ने ऑर्डर किए बी से कुछ गुड्स जिसमें लिखा नहीं था कि कितने टाइम पे वो आना चाहिए था, और जब वो आए तो ए ने एक्सेप्ट कर लिए. बी सूज ए फॉर द प्राइस. ए में शो दैट द गुड्स वर सप्लाइड ऑन क्रेडिट फॉर अ टर्म स्टिल अनएक्सपायर्ड. तो ए आके ये बता सकता है कि इसने सर मुझे बोला था कि, अब उसमें कोई पेमेंट का टाइम तो लिखा नहीं हुआ है, तो इसने मुझे बोला था कि सर आप 20 दिन बाद कर देना पेमेंट. तो ऐसी चीज फिलअप करी जा सकती है. Because it is silent, the contract is silent. बस inconsistent नहीं होना चाहिए. वो बोलें कि इसने बोला था कि जब आप मर जाओगे उसके बाद आपके legal heirs आके इसकी payment कर सकते हैं, right? Does this make sense to everybody? Yes. All right.
प्रोविजो थ्री पे आ जाते हैं. प्रोविजो थ्री सेज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल अग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंडीशन प्रेसिडेंट टू अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन मे बी प्रूव. कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट थी. इलस्ट्रेशन जे पे आ जाओ. इलस्ट्रेशन जे कहती है ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू टेक इफेक्ट अपॉन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी. द राइटिंग इज लेफ्ट विद बी हु सूज ए अपॉन इट. ए मे शो द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट वॉज डिलीवर्ड. अब आपने आपने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर अगर ये सो एंड सो कोई चीज हुई कि भाई सपोज करते हैं कि इस टाइम तक अगर ये दुकान चलती रही तो हम ऐसा करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे. तो अगर कोई ऐसी कंडीशन प्रेसिडेंट थी तो आप उसको प्रूव कर सकते हो. इसलिए बहुत सारे एग्जांपल्स हम पढ़ सकते हैं अगर हम बाद में इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. जैसे ये प्रेसिडेंट है वैसे ही प्रोविजो फोर में सबसीक्वेंट है. इस पे गोपाल सर पहले ही हमसे बात कर चुके हैं. Let's just read it. The existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved, except in cases in which such contract, grant or disposition of law is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents. तो कोई अलग सा आपने subsequent oral agreement किया था किन चीजों के लिए? Rescinding या modification के लिए. याद रखने वाली चीज है ये प्रोविजो फोर फेवरेट है. जब भी 92 में से कोई क्वेश्चन आता है तो वो प्रोविजो वन में से आता है या प्रोविजो फोर में से आता है. आपने ये प्रोविजो थ्री के साथ कौन सा इलस्ट्रेशन पढ़ा है? इलस्ट्रेशन जे 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 ए एंड जे ना. हाँ ए जे पढ़ा है थ्री के साथ. ए तो मैंने प्रोविजो टू में पढ़ेंगे हम. जो इलस्ट्रेशन ए है वो प्रोविजो टू के साथ पढ़ा जाएगा. ओके ठीक है. एक और चीज है, एक और चीज है राघव जी, जो चौहान सर ने एग्जांपल दिया था वो सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट का था. नाउ जहां अपना पहले बात हो रही थी वो रेफरेंस था, मतलब वो अच्छा वो एग्रीमेंट ठीक है, ठीक ओरल एग्रीमेंट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सो अब हम आगे प्रोविजो 4 पे. प्रोविजो 4 की इलस्ट्रेशन आप ई में देख सकते हो. A institutes a suit against B for specific performance of a contract and also prays that the contract may be. ये कौन सा बोला, कौन सा illustration है? E sir, E for elephant. अच्छा. So E कहता है A institutes a suit against B for specific performance of a contract and also prays that the contract may be reformed as to one of its provisions as the provision was inserted in it by mistake. कुछ मिस्टेक हो गई थी, बाद में जाके इन्होंने कहा कि भाई उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं. ए मे प्रूव दैट सच मिस्टेक वाज मेड एज वुड बाय लॉ एंटाइटल हिम टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिफॉर्म. तो इसमें प्रोविजो वन भी कवर होता है, प्रोविजो फोर भी कवर होता है. ठीक है. इसी तरह से इलस्ट्रेशन एच भी देख सकते हो आप प्रोविजो फोर के लिए. ए हायर्स अ लॉजिंग ऑफ बी and gives B a card on which it is written rooms rupees 200 a month. A may prove a verbal agreement that these terms were to include partial board. भाई मैं किसी से कोई कमरा वमरा भाड़े पे लेने गया, मैंने बोला कि चलो 200 रुपए का है, उस पर लिखा हुआ था कार्ड वार्ड पे जो भी इनका होता है, शायद साइन वाइन कराया हो, उस पर लिखा था 200 रुपए महीना होगा. उसके बाद हमारा एक अग्रीमेंट हुआ कि सर ठीक है मैं 200 रुपए दे दूंगा, आप इसके साथ मुझे इंक्लूड अ पार्शियल बोर्ड ऑन इट. पार्शियल बोर्ड एक कोई फैसिलिटी ले लो कोई किसी भी तरह की, कि मुझे आप ये भी दे दोगे. ठीक है. जैसे हम कई बार किसी होटल में जाते हैं, हम कमरा बुक करते हैं तो नेगोशिएशन के तौर पे हम ये कहते हैं ठीक है 2000 रुपए ले रहे हो ना एक दिन के, तो इसमें कम से कम आप ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूड कर दो. अब ये एक सबसीक्वेंट ओरल अग्रीमेंट हो गया. ठीक है. अभी सबसीक्वेंट ओरल अग्रीमेंट पे अगर आप बाद में सू करना चाहो कि यार मैंने तो इनको बोला था कि 2000 में मुझे ब्रेकफास्ट भी मिलना चाहिए, और वो कहेगा कि नहीं देखो आपने जिस हमारे तो मेन्यू पे लिखा हुआ है कि हम मेन्यू या जो भी कार्ड हो उनका कि 2000 रुपए का कमरा होता है उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता, तो आप प्रूफ कर सकते हो कि सबसीक्वेंट ओरल अग्रीमेंट हमारा हुआ था कि इसके अंदर हम ब्रेकफास्ट इंक्लूड करेंगे.
उसके लिए अलग से 500 रुपए मेरे से नहीं मांग सकते. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. इज दैट क्लियर? यस क्लियर. ठीक है. प्रोविजो 5 पे आ जाते हैं. एनी यूजेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली एनेक्स टू द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सच डिस्क्रिप्शन. अब कोई भी कस्टम ले लो, किसी भी तरह का कस्टम कहीं पे चलता हो, अगर कोई सर्टेन कम्युनिटी है जहां पे जब भी कोई माल भेजा जाता है किसी को, तो क्या होता है कि कई जगहों पे ऐसा होता है कि भाई जो भी माल ले पकड़ेगा अपनी जिस भी लोकेशन पे वो डिलीवर होगा, वो माल जो पकड़ेगा वो पेमेंट करेगा कैरियर को. और कई जगहों पे होता है कि जो माल भेज रहा है वो ही कैरियर को पेमेंट करके भेजेगा. ये चीजें कई बार कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी जाती क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी लाइन में काम होता ही ऐसे है. तो जब जब कस्टम के हिसाब से काम होता आ रहा है, तब अगर कोई बंदा कहे कि नहीं सर हमारे बीच में तो अग्रीमेंट हुआ था कि कस्टम की जैसे कि कस्टम में होता आ रहा है वैसे नहीं करेंगे, ये पेमेंट करेगा, तो वो बंदा अगला ओरल एविडेंस दे सकता है कि सर हमारे यहाँ पे ऐसे ही चलता है और हमारे यहाँ यही हमारे बीच में यही कंडीशन थी या यही हमारे बीच में अरेंजमेंट थी. इस चीज का आप ओरल एविडेंस दे सकते. इसका इलस्ट्रेशन है को? इसका इलस्ट्रेशन मार्क तो मैंने किया होगा इन्हीं में से. सर ढूंढ लो, कहीं ना कहीं पे होगा. मैंने शायद मार्क नहीं किया है इसका इलस्ट्रेशन, या शायद नहीं होगा, इलस्ट्रेशन नहीं दिया गया होगा इसका. ठीक. इसका मुझे लगता नहीं है इलस्ट्रेशन दिया गया है. ठीक है. देन वैसे ये प्रोविजो 5 जो है, मतलब ये तो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द कमर्शियल लिटिगेशन. कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टम्स देखते हैं कई जगहों पे कि किस तरह से चलता है, तो ये चीजें मतलब शायद इसलिए इन्होंने इलस्ट्रेशन ना डाली हो. देन कम्स प्रोविजो 6. एनी फैक्ट मे बी प्रूव विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द एग्जिस्ट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. अब ये जो प्रोविजो 6 है, इस प्रोविजो 6 को 93 से 98 के अंदर, सेक्शन 93 से 98 के अंदर विस्तार में समझाया गया. ठीक है. तो अब हम लैंग्वेज के ऊपर आएंगे 93 से लेके 98 तक. जस्ट टू कंफर्म, 91 और 92 में किसी को भी किसी भी जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि प्रॉब्लम आनी चाहिए, ऑल्दो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में इस टाइम नहीं जा पा रहे हैं, बट स्टिल अगर किसी को ऊपर ऊपर की कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं. राघव जी, कौन से इलस्ट्रेशन के साथ कौन सा प्रोविजो बार बताएंगे, और 91 में कौन से एक्सेप्शन के साथ कौन सा इलस्ट्रेशन? वैसे मैंने लिखा तो हुआ है बट फिर भी. अच्छा. सो आपका जो इलस्ट्रेशन ए है 91 का, वो एक्सप्लेनेशन 1 के साथ पढ़ा जाएगा. उसी तरह से आपका इलस्ट्रेशन सॉरी एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो इलस्ट्रेशन ई के साथ पढ़ा जाएगा. डी और ई दोनों के साथ पढ़ा जाएगा आपने बताया? डी और ई दोनों पढ़ सकते हो. व्हाट अबाउट एक्सप्लेनेशन 2, वो कौन से इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ा जाएगा? सॉरी सर, जो एक्सप्लेनेशन 2 है 91 का, वो कौन से इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ा जाएगा? इसको आप सर बी और सी के साथ पढ़ सकते हो. ड्रॉन इन बॉम्बे. हाँ जी, बी एंड सी ना. एक्सप्लेनेशन 1 और 2 दोनों ही बी और सी के साथ रिलेट करते हैं, समझ आ जाता है. ए बी सी तीनों ही एक्सप्लेनेशन 1 और 2 को एक्सप्लेन करते हैं. अब हम आ जाते हैं 92 पे. 92 में जो प्रोविजो 1 है वो इलस्ट्रेशन डी के साथ पढ़ा जाएगा. प्रोविजो 2 इलस्ट्रेशन एफ के साथ पढ़ा जाएगा. प्रोविजो 3 इलस्ट्रेशन जे के साथ पढ़ा जाएगा.
प्रोविजो फोर इलस्ट्रेशन ई के साथ पढ़ा जाएगा, ई फॉर एलिफेंट, और एच के साथ भी, एच के साथ भी पढ़ सकते हो। मैंने इसमें 18 सी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी लिखा हुआ है, तो शायद उसके साथ भी कुछ कनेक्शन होगा इसका, आई एम नॉट वेरी श्योर। एच का पार्ट टू है, वैसे एच के पार्ट टू के साथ पढ़ा जाना चाहिए फोर को। आप कह रहे हो स्पेसिफिक रिलीफ का सेक्शन 18 18C. Then comes proviso 5, जिसकी कोई illustration नहीं दी गई है, and proviso 6, 93 से 98 section जो है वो उस पर बात करते हैं। I must convey my compliments to you, Raghav ji. SRA की क्लास भी अटेंड की, लेकिन सर वो उनकी स्पीड बहुत तेज थी, तो तब इतना कभी क्लियर नहीं हुआ जितना 91-92 आज जाके क्लियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गोपाल सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं बीच में नहीं था, सॉरी, क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी। तो सर मैं बीच में बुला रहा था। सॉरी सर, मैं ये कह रहा था सर, अभी कर्नल साहब ने एक बात उठाई थी, ये प्रोविजो इसकी 5 की, यूजेज एंड कस्टम की। हाँ जी। तो इसमें उन्होंने एक एग्जांपल के लिए बोला था, क्या होता है सर कि ये जो धान मंडी वगैरह या सब्जी मंडी होती है ना, हाँ, उसके अंदर ट्रक आती है। ओके। अब वहाँ का कस्टम ये है कि भाई जो इसके अनलोडिंग लोडिंग जो है वो हमेशा बायर ही देगा। अच्छा। तो वो सेलर से अब जो कस्टम ये बना हुआ है, ये उस इसके लिए रिलेवेंस देखनी पड़ती है कि हाँ रिलेवेंटली ये चला आ रहा है क्या। तो अगर वो कंटिन्यूसली है तो वो बायर को ही देना पड़ेगा, सेलर नहीं देगा उसमें। फिर ये लिखा हुआ नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में, कई बार अनसर्टेन होता है, लेकिन वो बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम्हारे वहां पर ट्रक खाली करवाते हो तो वहां पर 10,000 रुपये लगा, मैं नहीं दूंगा। लेकिन कस्टम ये कि लोडिंग अनलोडिंग जितने भी है वो सेलर ही बियर करेगा, बायर ही बियर करेगा, तो बायर ही बियर करेगा। ये कस्टम हो गया, ये यूजेज होगी, कॉमर्शियल यूजेज होगी। अब जैसे जो अपन ये सेल डीड वगैरह करते हैं, हालांकि उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, लेकिन कस्टम की बात करें तो वहां पे भी आता है कि ये कॉमर्शियल में ज्यादा होता है सर, कि जहां पर जैसे बड़े प्लांट लगते हैं वहां पर, यहां पर मान लो कि पानी खुल रहा है तो इरेक्शन के कोई कुछ चीजें छूट जाती है, और वो कस्टमर ये है कि जो है वो इरेक्शन करने वाली पार्टी को बियर करना होता है, सभी जगह मान लो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो फिर वो कस्टम में आ जाती है। ये है, पर वो कंटिन्यूअस वही चलना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। यूजेज और कस्टम का यही है, क्योंकि अपन ने सेक्शन 13 और पीछे में देखा था, जब कस्टम की बात आती है, यूजेज की बात आती है, तो रिलेवेंट वाली सेक्शन 13 या आपके 32, 48 वगैरह जो देख के आए उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे बहुत बढ़िया के, बहुत अच्छा समझाया आप, थैंक यू सर। थैंक यू गोपाल सर। लेट्स गो अहेड। अब हमने दो इनको बांट लेना, आप 91 से 100 जो सेक्शन है ना इनको बांट लेना अलग अलग, जैसे हमने आईपीसी में बांटे हैं सारा इंडेक्स को। तो 91 और 92 तो हमें बात करता है एक्सेप्शन की, ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं। 91 जो रूल है उसका एक्सटेंशन है 92, और 92 का प्रोविजो 6 जो है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है 93 से 98, और उसके बाद 99 अपने आप में अलग सेक्शन और 100 अपने आप में अलग सेक्शन। तो हमारे तीन चार जोड़े हुए, 91, 92, 93 से 98 और फिर 99 और फिर 100। तो ये हमारे दिमाग में बाइफर्केशन होनी चाहिए क्लैरिटी के साथ। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। 93 और 94 को याद रखना, ये पेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में बात करते हैं। 93 एंड 94 पेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में बात करते हैं, और उसके आगे आने वाली सारी चीजें लेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में बात करती हैं। एक रूल इनके ऊपर अप्लाई होता है जो एक लॉजिकल रूल है, वो ये है कि जब जब पेटेंट एम्बिग्विटी होगी, जब जब एम्बिग्विटी ऐसी होगी जो ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रही है, तो लॉ आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। जब भी आप ये कहना चाहोगे कि सर इसको मैं ओरल एविडेंस से सप्लाई करूं क्या,
तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप अंधे हो क्या, जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो जब वो नहीं आपको दिखाई दे रहा था कि भाई कुछ पंगा है, कुछ घपला है, आप फिर भी चले जा रहे हो तो आप तो फिर आबैल मुझे मार कर रहे हो ना। तो अब आपको कोई इजाजत नहीं है इसके अंदर कुछ भी करने की। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरह से यूजलेस है। उसमें आप ओरल एविडेंस लेके आओ और अपनी तरफ उसे इंक्लाइन करने की कोशिश करो या दूसरे के अगेंस्ट इंक्लाइन करने की कोशिश करो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो लॉ विल नॉट अलाउ दैट। सो पेटेंट एम्बिग्विटी 93 एंड 94 में है। 93 एंड 94 में आप ओरल एविडेंस नहीं लेके आओगे कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फिल करने के लिए या उसे समझाने के लिए। दोनों ही सेक्शंस में आप दो चीजें कॉमन देखोगे। 93 भी कहता है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन इट्स फेस, आप उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो कहता है व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेस एम्बिगुअस, ऑन द फेस ऑफ इट द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। और 94 जब आप पढ़ोगे वो एकदम ऑपोजिट बात कहता है, व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इज प्लेन इन इटसेल्फ। भाई जब सामने दिखाई दे रहा है कि वो एम्बिगुअस है तो आप उसको नहीं कुछ भी एड करोगे, और जब वो एकदम ही प्लेन है तब भी आप कोई उल्टी बात लाके उसे एड नहीं करोगे। ये दोनों चीजें लॉ एकदम क्लियर कर देता है 93 एंड 94। और उसके आगे के जो सेक्शंस हैं 95, 96, 97, 98, इन जगहों पे लेटेंट एम्बिग्युटी है जो हमें लेट पता चलती है, बाद में पता चलती है। और जब हमें वो पहले नहीं पता चली ऑब्वियसली हम धोखे में आ सकते थे, हमें जब बाद में पता चला तो हम आपको आ गए समझाने की सर देखो इसमें ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। तो इन सब में आप एक रेगुलर कॉमन चीज पाओगे, वो क्या होगी, एविडेंस मे बी गिवन। ये चार शब्द आपको इन सारे सेक्शंस, चारों सेक्शंस में दिखाई पड़ेंगे, एविडेंस मे बी गिवन। 95 की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है एविडेंस मे बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन पेक्यूलियर सेंस। 96 की भी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स टू शो विच ऑफ दोज पर्संस इट इंटेंडेड टू अप्लाई। 97 की भी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है एविडेंस मे बी गिवन टू शो टू विच ऑफ द टू इट वाज मेंट टू अप्लाई, ठीक है। 98 में पहली लाइन में लिखा हुआ है एविडेंस मे बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इललेजिबल कैरेक्टर्स। तो ये बाइफर्केशन हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये तीन चार चीजें जो मैंने बोली। 91-92 एक अलग फैमिली है, 93-94, 95-96, 97 एंड 98 अलग फैमिली है, और 99 अपने आप में एक इंडिविजुअल और 100 अपने आप में एक इंडिविजुअल। अब जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो 93 और 94 पेटेंट एम्बिग्विटी वाली फैमिली है, और 95 से लेके 98 लेटेंट एम्बिग्विटी वाली फैमिली है। पेटेंट एम्बिग्विटी वाली फैमिली में कॉमन चीज क्या देखने को मिलती है कि द थिंग ऑन इट्स फेस कॉमन है। पहला वाला सेक्शन कहता है ऑन इट्स फेस इट इज एम्बिगुअस, और दूसरा वाला कहता है ऑन इट्स फेस इट इज प्लेन। दोनों में ही दूसरी चीज कॉमन क्या है कि आपको एविडेंस नहीं लाने दिया जाए। और जो अगली फैमिली है जब हम उसके अंदर झांक के देखते हैं तो क्या कॉमन मिलता है कि एविडेंस मे बी गिवन। पांचों ही केसेस में एविडेंस मे बी गिवन, ठीक है। ये चीजें आई होप सब लोगों को क्लियर है। अब हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे और इनकी इलस्ट्रेशन देखेंगे तो मेरे ख्याल हमें 5 मिनट में ये पांचों छो सेक्शन समझ आ जाएंगे, ठीक है। 93 पे आ जाते हैं, कहता है व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट ऑन इट्स फेस इज एम्बिगुअस और डिफेक्टिव द एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स व्हिच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स इफेक्ट। बोला ना पेटेंट एम्बिग्विटी में आपसे वो पूछेंगे सर आप अंधे थे, आप कहोगे नहीं सर मैं अंधा नहीं था, तो आप एविडेंस नहीं ला सकते। इलस्ट्रेशन ए कहती है ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर 1000 or 1500। एविडेंस यहाँ पे नहीं लाया जा सकता ये बताने के लिए कि 100 मतलब था या 1500 मतलब था। मैंने जो आयुषी को कार बेची थी मैं उसमें कह रहा था कि मैं कार बेच रहा हूँ, मैं उसमें कुछ बता नहीं रहा था कि क्या उसमें वैल्यू है। तो हम वैल्यू को फिलअप कर पा रहे थे किस प्रोवाइजो की मदद से, 92 के सेकेंड प्रोवाइजो की मदद से। मगर अगर मैं उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता कि आयुषी मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ 1500000-2500000 में, तो आयुषी मेरे से नीचे कॉन्ट्रैक्ट में लिख के मुझे पागल है तू, क्या मतलब हुआ इसका 1500000-2500000। तो जब ऐसी कोई हरकत करता है देन ही विल नॉट
be allowed to bring in any evidence to explain what is happening in the contract. Wo contract useless ho gaya. I hope 93 clear hai. इनके illustrations important है, याद रखना. अंदर से question सिर्फ यही आता है कि patent ambiguity वाले कौन से section है और latent वाले कौन से हैं, वो आपको मैंने बता दिया है. और दूसरा question जो भी आएगा वो illustrations में से ही आएगा. और सबसे important इसमें 93, 94 और 96 है. ठीक है, 94 की बात करें तो कहता है exclusion of evidence against application of document to existing facts. ऊपर क्या था, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. ऊपर हम एम्बिगुअस जब है लैंग्वेज उसको सप्लाई करने से रोक रहे हैं, और नीचे जब एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे कुछ एप्लीकेशन आराम से हो रही है डॉक्यूमेंट की, उसके इक्विलिब्रियम को हम बिगाड़ने से रोक रहे हैं. ऊपर बिगड़ी हुई चीज को संवार नहीं सकते और नीचे सवरी हुई चीज को बिगाड़ नहीं सकते. क्या कहता है, when the language used in a document is plain in itself, बिल्कुल plainly लिखा हुआ है कि आयुषी मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा 15 लाख रुपए में, इस दिन को आप इतनी पेमेंट करोगे, इस चैनल से पेमेंट करोगे, कोई भी हमारे साथ डिस्प्यूट हुआ तो हम दिल्ली की jurisdiction यूज करेंगे, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है. अब आप आगे बोलो कि नहीं सर बाद में हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं इसको देहरादून कर लेते हैं, या हमने बाद में सोचा इन्होंने मुझे सर बाद में फोन करके बोला कि छोड़ यार 15 लाख छोड़ तू 12 लाख दे दियो, ये सब आप नहीं कर सकते. जो सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है वो ही रहेगा, एंड राघव विल बी एबल टू गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स्ड इजीली. व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड प्लेन इन इटसेल्फ एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. मैंने वहां पे लिखा है कि मैं अपनी लैम्बोर्गिनी बेचना चाहता हूँ ब्लैक कलर की, छोड़ो लैम्बोर्गिनी अच्छी नहीं लग रही बोलते हुए शर्म आ रही है, मैं अपनी होंडा सिटी बेचना चाहता हूँ ब्लैक कलर की, जो 2009 का मॉडल है, 2012 का या 15 का मॉडल है, जो भी मॉडल है, और वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है हमारे फैक्ट्स के साथ, तो फिर आप उसमें कोई भी अपनी तरफ से एडिशन होशियारी नहीं करोगे, दैट विल नॉट बी अलाउड. ठीक है, एविडेंस मे नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वॉज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्ट्स. तो सीधी बात में आप जबरदस्ती घुमाना नहीं करोगे. इलस्ट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे सेक्शंस में. इट सेज ए सेल्स टू बी बाय डीड My estate at Rampur. A, B को एक डीड के माध्यम से एस्टेट बेचता है, और वो एस्टेट कौन सी है, His estate at Rampur containing 100 बीगर्स. तीन इसमें फैक्ट्स हैं, क्या है कि वो जो एस्टेट है वो A की है, वो एस्टेट रामपुर में है, वो एस्टेट 100 बीघे की है. अब ये एक्यूरेटली रियलिटी पे अप्लाई करता है. आगे वो कहता है A has an estate at Rampur containing 100 beggars. Evidence may not be given of the fact that the estate meant to be sold was once situated at different place or different sites. आप ये नहीं कहोगे कि सर यहाँ पे 100 लिखा है, मगर असल में सर मैं इसके दिल की बात जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, ये मुझे 100 बीघे वाली नहीं, मुझे 1000 बीघे वाली जमीन देने वाला था. तो आप ऐसी कोई भी सप्लाई नहीं कर सकते एक कॉन्ट्रैक्ट में, जब सीधी सीधी बात लिखी है. अब आ जाता है 93 और 94. क्लियर है सबको? सब लोग एक बार माइक यूज करके हाँ या ना कह दो. हाँ जी सर. राघव जी. हाँ जी सर. अगर किसी प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन में हाँ जी है वहां पर कोई वेरिएशन आ जाता है, सपोज किसी एग्रीमेंट में लिखा है और वहां पर जो है कुछ वेरिएशन आ जाता है बाद में, उसमें लिखा है कि जैसे आप लिखा प्लॉट नंबर 48 और वहाँ की जो लॉक जो साइज है वो मान लो 300 यार्ड की है और बाद में उसमें आ रहा है 298, तो ये डिस्क्रिप्शन में आएगा या फिर इसको इग्नोर हो जाता है? सर इतनी चीज तो इग्नोर करी जा सकती है. जैसे आप आगे अभी जाके देखोगे एग्जांपल, वहां पे क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहे हैं दो फैक्ट्स. एक बंदा कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी जो हैदराबाद में है जो 100 बीघे की है वो मैं बेचना चाहता हूँ, मगर आप डिफरेंट हो गए. तो ये इसमें एक्सक्लूजन में कहीं आएगा क्या, ये मेरे कहने मतलब 93 सर, अगर वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है, पता चल रहा है कि वो एक क्लेरिकल एरर है, तो उसको आप नॉर्मली ही ठीक कर लोगे. अच्छा
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी अभी हमारा एक केस 93 में नहीं आएगा ना? हाँ नहीं, फिर यहाँ पे नहीं लाओगे आप। जैसे अभी हमारा एक केस था दिल्ली में लगा हुआ था, फहाउद्दीन जो जज है वहां पे, तो हम लोगों के मैप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी एंड दी अदर पार्टी एक्चुअली केम टू द कोर्ट एंड सेड कि सर नहीं, अब ये मैप में इनकी गड़बड़ है, ये गलत है, ये नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट वी विल डू इज वील गेट अ पर्सन टू यू नो मैप द साइट अगेन, और वो नया मैप आप लगाओ और हम अगली डेट पे इस पे बात करते हैं। फिर हमने दूसरा मैप लगा दिया, उसमें जो चेंजेस होने थे, थोड़ी सी गलती थी उसमें, मेरे ख्याल मुश्किल से एक दीवार की गलती थी, कनेक्टिंग दीवार की, वो उन्होंने ठीक कर दी थी मैप। अदर पार्टी व्हाट दे वांटेड वाज कि क्योंकि वो बस एक दीवार जो कनेक्टिंग दीवार थी वो नहीं थी, तो इनका पूरा केस ही उड़ा दो, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ क्लेरिकल एरर है तो वो ठीक हो जाएगा, वो एम्बिग्युइटी में नहीं आएगा, ना एम्बिग्युइटी में आएगा ना वो ये आपके उसमें डिफेक्टिव पार्ट में आएगा। हाँ जी, वो तो बाद में, हाँ उसमें नहीं आएगा ये। दूसरा एक अगर मान लो कि एक लोन का एग्रीमेंट है, उसमें 6% करके छोड़ दिया, न तो पर मंथ लिखा है न पर ईयर लिखा है, पर एनम लिखा है, तो ऐसे केसेस में क्या मानोगे? सर ऐसे केसेस में अब या तो देखो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो साइलेंट है, और साइलेंट है तो आप ओरल एविडेंस से ले आओ, उसको प्रूफ करने के लिए वो 92 प्रोविजो 2 में आ जाएगा। अच्छा, वो 92 के 2 में प्रोविजो में। हाँ जी, तो वहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप उसे कस्टम्स में ला सकते हो 92 प्रोविजो 5 में, कि भाई कस्टमरीली क्या होता है आपका यहाँ पे, पर मंथ चलता है या पर एनम चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे वो बात क्या कर रहा है, जब एम्बिग्युइटी हो, भाई मैं लिख रहा हूँ कि आपको मैं पैसे देता हूँ 6%, 8% और 9%, एम्बिग्युइटी होनी चाहिए, और उस एम्बिग्युइटी को फिर आप सप्लाई नहीं कर सकते। इसको डिफेक्ट में नहीं लोगे सब? सॉरी, डिफेक्ट में नहीं लोगे? डिफेक्ट है ये? नहीं नहीं, ये फिर डिफेक्ट नहीं हुआ, ये तो फिर यूजलेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा आप कहना क्या चाहते हो, ये तो गलत ही आपने बनाया है कुछ, इसको फिर से बनाओ, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते ना, 6 था 8 था या 9 था हमें नहीं पता भाई। नहीं, ये बाद में ऐसा अग्रीमेंट बना, बाद में डिस्प्यूट में चला गया, मेरा कहने मतलब ये कि उस टाइम नहीं पेटेंट था, उस टाइम नहीं पता चला, और बाद में ये डिस्प्यूट में चला गया, नहीं ये 6% किसका है, क्या हो सकता है ना, ये तो कभी कभी अग्रीमेंट में हो जाती मिस्टेक। हाँ मे बी, होने को तो हो ही सकता, पर मेरे ख्याल तो ये बहुत प्री मैच्योर स्टेज पे ही पकड़ा जाएगा और कोर्ट से उड़ा देगी। ये जाना है जो सर ने बोला पर, वो कंसिडरेशन के आगे पर मंथ और पर एनम लिखा नहीं था, तो अगर ये पेटेंट एम्बिग्विटी है, मतलब वो तो सामने ही डिफेक्ट दिख रहा है, वो तो पॉइंट आउट किया जाना चाहिए था, तो क्या इस पे ओरल एविडेंस लीड किया हुआ, विल दैट बी एडमिसिबल? आई थिंक इट शुड बी एडमिसिबल, वी कैन लीड ओरल एविडेंस देयर बिकॉज़ इट इज साइलेंट, प्रोविजो 2 ऑफ 92। एडमिशन एविडेंस की एडमिसिबिलिटी है इसमें? हाँ जी। ओके सर, यू नीड टू कॉरोबोरेट आल्सो ना, सो द इंटेंशन ऑफ द पार्टी दैट वेदर इट वाज पर मंथ और पर एनम। हाँ, कोर्ट कभी भी मैम एकदम से डिसीजन तो नहीं देती ना, इसीलिए तो टाइम लगता है, तो कॉरोबोरेशन तो बिल्कुल, वो अगर उनको लगता है कि कॉरोबोरेशन करी जानी चाहिए तो बिल्कुल करेगी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे हर चीज डिपेंड करती है। ओके, कोर्ट सब कुछ नाप तोल के ही करती है, वो एकदम ऐसे नहीं बोलेगी कि ओ 93 में फॉल कर गया, भागो यहाँ से सारी सारी। तो वो टाइम लेगी ना, अगर जरूरत पड़ी, और वकील भी उसमें माथा फोड़ी करेगा कि सब एक तो 93 में आना चाहिए। बिल्कुल करेगा, वो पैसे लेके बैठा है और पैसे चाहिए भी आगे उसे। बट डज 93, 94 एंड 98 for deal with the admissibility of the evidence because I think admissibility of the evidence we've already dealt with in 60 कहां पे मतलब जो admissibility का head है we've already dealt with that right किस जगह पे हमने deal किया admissibility के साथ अगर वो एक second just give me a moment आप continue yeah. come back to नहीं नहीं देखो, हम जब पार्ट वन की बात करते हैं वो हमें रेलेवेंसी की बात बताता है, इट्स नॉट अबाउट एडमिसिबिलिटी। कहीं पे एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करिए क्या? नहीं, रेलेवेंसी बताता है लेकिन उसके बाद एडमिसिबिलिटी की भी बात होती है ना। चलो, यू गेट बैक ऑन दैट। ओके ठीक है,
एक्चुअली मैंने तहसीलदार सिंह का ये पढ़ा था, तो वो पूरा वो बताते हैं कि फर्स्ट रेलेवेंट होना चाहिए, एडमिसिबिलिटी होनी चाहिए, फिर वेट के ऊपर ये क्रोनोलॉजी दी गई है उसमें। हाँ, तो आपका जैसे अब 5 से 55 में आपने रेलेवेंसी देख ली, अब जब आपका कोई भी चीज रेलेवेंट है तो मोस्टली इट इज एडमिसिबल अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ स्पेसिफिक बार ऑन एडमिसिबिलिटी। ठीक है ना, तो वो तो पता आपको चली जाता है एविडेंस एक्ट में। यहाँ पे वो कह रहा है एविडेंस आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, ये एडमिसिबिलिटी पे ही बातें हो रही हैं एक तरह से। एविडेंस मे बी गिवन का मतलब यही हुआ ना कि वो एडमिट होगा या नहीं होगा। तो पार्ट टू में हम प्रूफ की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एडमिसिबिलिटी की। ठीक है, जैसे आपने चेक करो 91 की इलस्ट्रेशन ई जो थी उसका आखिरी वर्ड क्या है? एडमिसिबल। करेक्ट, तो यहाँ पे एडमिसिबिलिटी की बात हो रही है। जब हम प्रूफ की बात करते हैं, पार्ट टू है ही प्रूफ के बारे में, वहां पे हम एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं उसकी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बताते हैं। नॉर्मली व्हेन इट इज रेलेवेंट यू कैन ब्रिंग टू द कोर्ट एंड इट बिकम्स एडमिसिबल, बट व्हेन देयर आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वहां पे एविडेंस एक्ट हमें पार्ट टू में प्रूफ में जब बात करती है तो हमें बताती है कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा कौन सा नहीं होगा। राइट, यस, ऑल राइट, लेट्स गो अहेड। अब हम आ जाते हैं 95 पे। कहता है एविडेंस हैज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के साथ प्रॉपरली लग नहीं रहा है जो भी लैंग्वेज यूज करी गई है, जो रियलिटी में है उसके साथ लगता नहीं। अब हमने ऊपर 94 में क्या देखा, एक्यूरेटली उन फैक्ट्स के साथ लग रहा था, और नीचे ये अनमीनिंग इन रेफरेंस है। इसकी इलस्ट्रेशन, A sells to B by deed my house in Calcutta. A had no house in Calcutta, but it appears that he has a house in Howrah, of which B had been in possession since the execution of the deed. These facts may be proved to show that the deed related to the house in Howrah. ठीक है, तो आपको unmeaning सा लग रहा है language कि इसके साथ properly बैठ नहीं रहा है, मगर हम अगर इसको जरा सा change करें तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, इसका कैलकटा में तो घर नहीं है बट हावड़ा में घर है, और उस हावड़ा वाले घर में जब से एग्जीक्यूशन हुई है तब से उसका पोजेशन इसी पार्टी को दिया गया, जो पार्टी हमारे सामने खड़ी है उसी को दिया गया। तो दैट मेक्स इट हाईली पॉसिबल कि हाँ ये हावड़ा वाले घर की ही बात कर रहा था। राइट, अब अगर मैं देहरादून और मसूरी की बात करता हूं तो मसूरी, ऋषिकेश भी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में पड़ता है, अगर मैं उसके बीच में कोई लैंड दे रहा हूं किसी को और मैं लिख देता हूं माय लैंड एट ऋषिकेश, और वो बंदा आके बोलता है कि सर ये तो अनमीनिंग एज टू द अनमीनिंग है ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, तो आई कैन सप्लाई इट, इट कैन इजीली बी प्रूव्ड कि सर मैं यही कहना चाहता था कि माय हाउस और माय लैंड इन देहरादून, वो तो ऋषिकेश भी तो देहरादून में ही आता ही है ना, मैंने एग्जैक्टली ऋषिकेश नहीं लिखा, मैंने देहरादून लिख दिया, आई हैव अ लैंड देयर। राइट, सो हम इस चीज को सप्लाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। 96 आ गया, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्संस। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं और उनमें से किसी एक पे ही लग सकता है, वो जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप फैक्ट्स लिख के लाए हो, वो किसी एक फैक्चुअल सिचुएशन पे अच्छे से फिट होता है, तब आप क्या करोगे। When the facts are such that the language used might have been meant to apply to any one and could not have been applied to more than one, एक से ज्यादा पे वो लग ही नहीं सकता। The evidence may be given of the facts which show which of those persons or thing it was intended to apply, इस पे question बनता है कि 96 several persons पे apply करता है या several things पे भी apply करता है या फिर दोनों पे apply करता है, तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है कि वो दोनों पे ही अप्लाई करता है, जबकि टाइटल में सिर्फ पर्संस लिखा है मगर उसमें थिंग्स भी इंक्लूडेड होती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए अग्रीज टू सेल टू बी फॉर ₹1000 माय व्हाइट हॉर्स। ए के पास दो हॉर्सेस हैं व्हाइट कलर के। अब ये बताया जा सकता है एविडेंस देखे कि मैं इनमें से कौन सा व्हाइट हॉर्स बेचना चाहता था, क्योंकि ए मेरे पास दो है उनमें से एक मैं बेचना चाहता ही हूं,
और एक पे वो अप्लाई करता है। इस लैंग्वेज का मतलब ये तो हम बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते कि वो 1000 रुपए में मुझे दोनों घोड़े बेचने वाला था, मगर हाँ उनमें से एक तो बेचने वाला ही था और उसके पास दो घोड़े हैं, तो वो बता सकता है कि सर हमने इसकी बात करी थी, इसको ही बेचने वाला था मैं, वो वाला घोड़ा तो कोई और बुक पहले ही कर चुका है, या वो वाला घोड़ा तो मैं पर्सनली अपने लिए यूज करता हूँ, पहले भी कुछ लोग खरीदने आए थे मैंने उन्हें भी नहीं दिया, मैं इसी घोड़े की बात कर रहा हूँ। तो आप सप्लाई कर सकते हो 96 में, ठीक है। 97 टॉक्स अबाउट व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज इज फॉर टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू विच नाइदर ऑफ इट होली करेक्टली अप्लाइज। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए अग्रीज टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ए ने अग्रीमेंट किया कि मैं अपनी जमीन बेचूंगा बी को जो वाई के कब्जे में आज की डेट में। ए के पास लैंड है एक्स पे बट वो वाई की ऑक्यूपेशन में नहीं है, और एक और लैंड है जो वाई की ऑक्यूपेशन में तो है मगर वो एक्स वाली लोकेशन पे नहीं है। तो दो सिचुएशंस हो गई। अब दोनों सिचुएशंस पे एक हद तक अप्लाई करता है और पूरी तरह अप्लाई दोनों पे ही नहीं करता। एविडेंस दिया जा सकता है कि मैं कौन से वाले को बेचने की बात कर रहा हूं। इज दिस इजी, इज दिस अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Although you are not audible for some time, but then I think it's clear. चलो अगर क्लियर हो गया बाकी लोग भी बता दो if it's clear. Yes, clear. ये हम कल भी कर चुके थे। Now let's come to 98 में आप आधी अधूरी चीजें लिख देते हो किसी किसी भी document में, या फिर आपकी writing इतनी खराब है, या फिर बहुत पुराने टाइम का डॉक्यूमेंट है, इलेजिबल हो गया है जो भी उसमें कैरेक्टर्स थे, तो आप फिर सप्लाई कर सकते हो कि इस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो इट सेज एविडेंस मे बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलेजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स। किस किस चीज में? इस पे एमसीक्यू बन जाता है। फॉरेन, ऑब्सलीट, टेक्निकल, लोकल एंड प्रोविंशियल एक्सप्रेशन और abbreviations and of words used in peculiar sense. इसकी illustration क्या कहती है? एक बंदा दूसरे को बेचना चाहता है all my mods. अब इसने short form में लिख दिया mods. इसी तरह मैंने एक example दिया था I want to sell my lappy. अब मैं lappy का मतलब laptop भी हो सकता है और lappy का मतलब lap board भी हो सकता है, lap chair भी हो सकता है, lap fan भी हो सकता है, 50 चीजें हो सकती हैं। आई कैन सप्लाई इट, आई कैन टेल व्हाट आई वाज गोइंग टू सेल, राइट? मैं बता सकता हूँ कि सर देखो मैंने ओएलएक्स पे एड भी डाला था अपने लैपटॉप का, मैं इसे बेचना ही चाहता हूँ, मैं नया लैपटॉप देखने भी गया था, सो दिस इज व्हाट आई कैन सप्लाई, एविडेंस कैन बी गिवन फॉर दैट। अब आता है 99 जो अपने आप में अलग है। अभी तक हमें लेटेंट एम्बिग्विटीज समझ आ गई है, हमें ये समझ आ गया कि इसमें लेटेंट हो क्यों रहा है ये सब कुछ। Raghav, I wanted to say something. Haan now, how to differentiate latent ambiguity from patent ambiguity? So, can we conclude that any ambiguity that does not fall within 95, 96, 97, and 98 is patent ambiguity? I don't think that is an exact statement because it will depend on the matter of fact. ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं जो एविडेंस एक्ट ने ट्राई किया है कि वो कवर कर सकें कि जनरली ऐसी एम्बिग्विटीज आ जाती, बट इसके अलावा आई एम श्योर कि और तरह की भी एम्बिग्विटीज हो सकती हैं जिन पे कई बार ये सारे सेक्शंस में से कोई एक सेक्शन पर्टिकुलरली अप्लाई ना करे। तो इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन मैटर ऑफ फैक्ट। रूल इसमें बस यही अप्लाई किया जाएगा कि लॉजिकली कैन अ पर्सन, कुड अ पर्सन ऑन द फेस ऑफ इट अंडरस्टैंड दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग, then it becomes yes. अगर answer yes है तो फिर वो एक patent ambiguity। अगर सामने सामने देखते हुए एक reasonable आदमी नहीं पहचान सकता था कि कोई ambiguity है तो फिर वो एक latent ambiguity। Okay. इसके आप case laws भी देखोगे तो कई बार courts की जो observations हैं वो भी
खटकती है दिमाग को कि यार ये चीज तो पकड़ी जा सकती थी, बट देन दे से दैट नहीं, एक रीजनेबल मैन इसको नहीं पकड़ पाता। तो बहुत चीजें मैटर ऑफ फैक्ट पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हमारे पास दो सेक्शंस बचते हैं, 99 और 100। 99 कहता है कि एविडेंस कौन दे पाएगा अग्रीमेंट की टर्म्स को वेरी करने के लिए। इट सेज पर्संस हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट टेंडिंग टू शो अ कॉन्टेम्परेनियस अग्रीमेंट वेरिंग द टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जो ये पीछे हम सारी चीजें बातें करते हुए आ रहे हैं, 92 में हमने बड़े सारे प्रोवाइजो देखे कि सब्सिक्वेंट ओरल अग्रीमेंट, ये ओरल प्रीसीडिंग ओरल एविडेंस ओरल अग्रीमेंट, और इधर उधर के अग्रीमेंट जो वो रसीद लेके आया था वो ओरल एविडेंस से प्रूव कर रहा था। तो वहां पे हम कोई ऐसे बंदे को भी लेके आ सकते हैं जो बाहर का बंदा है, जो इस चीज से रिलेटेड नहीं है, हमारी हमारा जो भी ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड नहीं है। तो 99 सिर्फ इतना कहना चाहता है कि कोई भी और आदमी जो उस ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मगर ये बता सकता है कि देयर वाज अ कॉन्टेम्परेनियस अग्रीमेंट वेरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। कॉन्टेम्परेनियस का मतलब क्या होता है कि उसी समकालीन उसी टाइम पे, जस्ट व्हेन दैट अग्रीमेंट वाज हैपनिंग, उसके बाद आपने सेम चीज पे कोई और अग्रीमेंट भी किया था और उसका कोई और विटनेस है, तो वो तीसरा बंदा चाहे आपके अग्रीमेंट में या ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, पार्टी ना हो, वो फिर भी आके उसका क्या बोलते हैं एविडेंस दे सकता है। इसको आप कंफ्यूज मत करना 17 से 21 के साथ। 17 से 21 में एडमिशन किया जा रहा था, एडमिशन पार्टीज अपनी ही चीजों को लेके करती हैं, यहाँ पे एविडेंस दिया जा रहा है। एविडेंस के लिए तो आप विटनेसेस लेके ही आते हो ना, बाहर के लोग होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि मर्डर का विटनेस मर्डर से रिलेटेड ही होगा या जिसका मर्डर हुआ है या जिसने मर्डर किया है उससे रिलेटेड ही होगा, वो तो जरूरी नहीं है। एडमिशंस वो लोग करते हैं जो लोग उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। 17 से लेकर 21 में लिखा है कि जो बंदे ने खुद प्रोसिक्यूशन जो कर रहा है या जिसने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका एजेंट हो गया, पेक्यूनरी इंटरेस्ट वाले लोग हो गए, जिसको रेफर किया गया है वो हो गया, ये सब लोग एडमिशंस कर सकते हैं। दे कैन एडमिट द फैक्ट्स, एडमिट तो तभी करेंगे ना जब उससे रिलेटेड होंगे, मगर यहाँ पे वेन यू आर टॉकिंग अबाउट गिविंग एविडेंस देन इट कुड बी एनी वन हु इज नॉट इवन द रिप्रेजेंटेटिव, बाहर का बंदा हो सकता है एंड ही कैन कम एंड गिव एविडेंस। इज दैट राइट सर? वेयर इट इज टॉकिंग अबाउट इवन, आई मीन इवन द पर्सन हु आर नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द अदर पर्संस हु आर नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। हाँ, मतलब तो आप बंदा उसे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए क्योंकि बाहर के लोग आके दे सकते हैं मैम अग्रीमेंट, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। सर वो तो हमने उसको विटनेस बनाया है ना, और विटनेस हम उसी को बनाते हैं जिसका इंटरेस्ट नहीं होता हमारी ट्रांजैक्शन में, जरूरी है? दिस इज व्हाट द सेक्शन सेज। गोपाल सर क्या ये जरूरी है कि हम विटनेस उसी को बनाए जिसका हमारी ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है? हाँ ये हो सकता है कि बाद में वो बोले कि इट इज एन इंटरेस्टेड विटनेस, बट क्या कोई बार है विटनेस पे? नहीं, इंटरेस्टेड विटनेस है, क्रिमिनल लॉ में ज्यादा ये रहता है। और यहाँ पे अगर दोनों भी विटनेसेस जो हैं वो अगर आपके रिलेटिव्स निकले अटेस्टिंग विटनेसेस, तब थोड़ा इनके फेवर में यानी जो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है तब वो थोड़ा डिफेंस तरफ जाता है। हाँ ऐसा हो सकता है, मगर क्या कोई बार है? In the case of wills, generally we do not make the witnesses who are the party to the contracts. Ma'am, generally अलग चीज़ है, but is there a bar? Is there an absolute bar? Sir, because when we are challenging the validity of that will, so the witnesses are the person who has to verify that the will was being taken down by the person who by the मतलब the bequeather. So got it. So that is why. Not. याने जैसे मैं मेरी वसीयत बना रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ, और मैं आप ही को अगर विटनेस बनाती हूँ तो वो अगर चैलेंज होती है, मेरे बच्चे चैलेंज करते हैं तो फिर वो ये हो जाता है ना, यानी आपके फेवर में नहीं रहेगी चीजें, इसीलिए किसी और को एक्चुअली माय क्वेश्चन वाज दैट यू आर सेइंग दैट इवन द पर्सन हु आर नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट कैन बी
can come and give the witness or can come and give the evidence regarding that proof. So I am asking that it is talking even or it is talking only for that person who are not interested in that transaction. Interesting cheez hai. Let's do one thing. Let us all just search about it ki 99 mein kya jo parties directly related hain unko exclude kiya gaya hai. ये चीज पे एक बार ट्राई करते हैं ढूंढने का. राइट ओके ठीक है भाई. इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अभी मैम कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज. यस सर. आई एम सेइंग दैट दिस सेक्शन 99 इज टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट दोज पर्संस हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन एंड कैन गिव द एविडेंस और वी आर इंक्लूडिंग दोज पर्संस आल्सो हु आर नॉट इवन पार्टी टू द ट्रांजैक्शन एंड गिविंग द evidence as a witness also wala two nahi dono sir nahi hai kyunki agar section dono ko include karta hai so where it is written down that even those persons who are not interested right and if jo do example diye dono mein not interest they are not parties na wo dono usi mein aa jayenge na aur dekh lo aap dobara bolo ek bar kya bola maybe I have missed out. हेलो सर वो कहना चाह रहे हैं कि 99 में जो लिखा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पार्टीज हु आर नॉट पर्संस हु आर नॉट पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट मे गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टेंडिंग टू शो अ कंटेंपोरेनियस अग्रीमेंट. तो ये चीज दैट रिलेट टू द पार्टीज डज दैट एक्सक्लूड द पार्टीज हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन. क्या ये सेक्शन कहना चाहता है कि हम सिर्फ थर्ड पार्टीज को लेके आ सकते हैं एज अ विटनेस? एज अ विटनेस ये पूछना चाह रहा है ये. यस सो इस चीज पे हम लोग एक बार चेक करके आएंगे कि 99 में एक्सक्लूजन है या नहीं है. ठीक है राइट. लेट्स कम टू 100 व्हिच से सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स. तो ऑब्वियसली जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है विल्स उन्हीं के हिसाब से चलेंगे उसमें आप एविडेंस एक्ट को नहीं इंटरफेयर कराओगे. इज दैट राइट? जो विल वाला एक ने एग्जांपल लिया था वो तो डायरेक्टली एक्सक्लूड हो गया. एक्सक्लूड हो जाएगा. विल के ऊपर हम ये सारी चीजें अप्लाई नहीं करेंगे एविडेंस. तो बाकी चीजों में राइट right? जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया अगर मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव और आपके रिप्रेजेंटेटिव इस पार्टी इसके लिए विटनेस नहीं कर सकते. करेक्ट. ये सर्च करना है हमें. हाँ जी राइट ठीक है. अभी अगर जी वो भी ब्रेक आई हैड अ ऑब्जर्वेशन अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा है मे गिव एविडेंस यानी इट इज नॉट अ डायरेक्ट बार ऑन एनीथिंग इट इज जस्ट सेइंग दैट इट मे और मे नॉट हैपन देयर इज अ पॉसिबिलिटी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मैं इसी चीज पे जब मैंने पहला आंसर दिया सोनिया मैम को आई डिड नॉट वॉन्ट टू मार्केट माई सेल्फ बट हम रिसर्च करें तो बेटर होगा सब लोग एक बार देख के आए. That is what my point as well is कि persons who are not parties may give evidence. तो यहाँ पे अगर वो लिखता कि only अगर लिखना होता तो वो लिख देता. अगर उसे किसी और को exclude करना होता तो वो exclude कर देता. But again, I think Sonia ma'am की observation भी अच्छी है यहाँ पे कि उन्होंने directly start ही इस तरह से किया कि persons who are not parties to a document. But then may जो है वो इसको एक inclusive क्लॉज बना देता है. ये मेरा सोचना है बट हम इस पे रिसर्च कर सकते हैं. इज दैट व्हाट यू वांटेड टू से आयुषी? नो देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट व्हाट इफ द पीपल हु आर नो मतलब हु आर पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इंटरेस्ट दे कम एंड एक्चुअली गिव some evidence in the court. I think it deals with the weight that is to be accorded to a particular evidence as mentioned in Tehsildar Singh. If I think the parties are interested then less amount of weight is to be given and if some evidence comes from a third party and a person who is not interested in that particular contract then more weightage has to be accorded to them. So the in the preponderance of possibilities the more weightage has to be accorded to a person who is not interested to the contract. I think that is what is meant by this section. I think more weightage and less weightage ki baat to yahan nahi ho rahi hai but exclusion and inclusion ki ho rahi hai.
लेट अस टेक अ डाइव इनटू दिस सेक्शन एंड ट्राई करते हैं कि हम इसको कॉम्प्रिहेंड बेटर तरह से कर पाए और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाए. ठीक है, तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. बट राइट नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि हम लोगों ने आधा घंटा वेस्ट किया था पहले, तो आई जस्ट वांट टू टेक 10 मिनट्स एंड कवर 101 से 113, जिसमें हमें टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं इसमें पहले से. Is that okay for everybody? Okay. इतना दुखी होके, इतना इससे ज्यादा दुखी होके मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना. नहीं, एक्चुअली सच्ची में ना खाना खाना खाया नहीं, भूख लग रही है. मैंने भी खाना खाना है आयुषी, मैं खाना खाता. I know, आपने भी नहीं किया सर. मुझे तो बनाना भी है अभी. मुझे भी बनाना है एक्चुअली, मैं अकेला हूँ आज. I have to cook. फिर आप भी कर लो, हम भी कर लेते. नहीं, हम मैं भी पढ़ाई कर लेता हूँ और आप भी कर लो. 15 मिनट में छुट्टी लेते हैं सब लोग. ठीक है, let's go on. अब हम पार्ट 3 में आ चुके हैं. वो फिर पूछते क्यों हो, फिर कर लिया करो ना. नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता था प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स. तो मुझे ओके मिला था प्रिलिमिनरी, तो मैंने कहा लेट्स गो अहेड, क्योंकि हम बहुत स्लो जा रहे हैं एविडेंस एक्ट में. हमें जिन्हें टाइम देना चाहिए था, हमने उन सेक्शंस पे काफी अच्छा टाइम दे दिया है. बट अब हमें थोड़ा सा स्पीड पकड़ना चाहिए, बिकॉज दोज हु आर हेयर ओनली फॉर आईपीसी, उनके लिए थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है. हमने बीच में चालू कर दिया एविडेंस एक्ट, सो लेट्स जस्ट कवर इट अप. हम लोग सब जानते ही हैं ये सारे प्रोविजन, इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए और अगली वेंसडे को हम खत्म कर देंगे. अच्छा अच्छा कर दिया कि एविडेंस एक्ट टच कर दिया, आईपीसी समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा. कनेक्टेड है ना ये. वो तो सर, वो आप चाहते हो एविडेंस पढ़ना, बट मेरे ख्याल बहुत सारे लोग नहीं चाहते. एंड आई सी दैट एट लीस्ट 4-5% दे आर कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द एविडेंस एक्ट क्लासेस, है ना. तो हम इसे फटाफट थोड़ा सा कवर करते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके. खाना एविडेंस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी ना, दैट इज एग्जैक्टली. बट ये कनेक्टेड है ना, ये हम व्हाट यू सेड इज वेरी राइट ना, लेकिन सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस इज एवरीथिंग, मतलब ये ना कनेक्टेड है. कनेक्टेड तो बहुत है. एंड ये जो रिवीजन कर रहे हैं, दिस एक्चुअली इज गोना हेल्प अस जब हम आईपीसी सीआरपीसी कनेक्ट करेंगे. यस, दैट इज अमेजिंग. चलिए लेट्स गो अहेड. 101 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है. आई डोंट थिंक किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होगी. अगर मैं आके कहता हूँ कि राजेश सर ने कहीं से चोरी करी है, या आयुषी ने कहीं से चोरी करी है, अजय ने कहीं से चोरी करी है, किसी ने भी कहीं से चोरी करी है, आई हैव टू प्रूव कि उसने चोरी करी है. सो ऐसा नहीं होगा कि मैंने कहा राजेश सर ने चोरी करी और कोर्ट कहें कि हाँ जी प्रूफ करो आपने चोरी नहीं करी. दैट विल नॉट हैपन. नाउ जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं 101 में, तो 102 में हम बात करते हैं ओनर्स ऑफ प्रूफ. क्वेश्चन बनता है पहला कि बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ है और ओनर्स ऑफ प्रूफ कहाँ है. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. बर्डन ऑफ प्रूफ 101 में है, ओनर्स ऑफ प्रूफ 102 में है. दोनों में डिफरेंस क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एक केस को जब कोई लेके आता है तो पहला बर्डन जिसके ऊपर होता है वो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि प्रिलिमिनरी जो जिम्मेदारी है एक केस को प्रूफ करने की वो किसके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ. और ओनर्स ऑफ प्रूफ होता है जब आपको रिबटल एविडेंस देना होता है, वो शिफ्ट करता रहता है बार बार. फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूं कि किसी ने चोरी करी है, तो जनरली लॉ ने जो सब्सटेंटिव लॉ ने जो रूल बनाया है वो बर्डन ऑफ प्रूफ का रूल होता है. और वो लॉ कहता है कि जिसने भी असर्ट किया है वो प्रूफ करेगा. मैं असर्ट करता हूं किसी ने चोरी करी है, तो मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि मैं प्रूफ करूं कि उसने चोरी करी है. अब जब मैं अपनी तरफ से पहली बार एविडेंस अड्यूस कर देता हूं, नाउ दूसरे के ऊपर ओनर्स ऑफ प्रूफ आ जाता है कि अब वो इस एविडेंस का जवाब दे, इस एविडेंस के जवाब में एविडेंस लेके आए. दैट इज ओनर्स ऑफ प्रूफ. वो सब्सटैंटिव लॉ ने नहीं बोला. सब्सटैंटिव लॉ ने तो सिर्फ मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली थी कि भाई प्रोसिक्यूशन विल प्रूव. प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है. अब जो दूसरी पार्टी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, दैट इज ओनर्स ऑफ प्रूफ. राइट, तो 101 और 102 में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है. इससे ज्यादा जानने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है. अब हम आ जाते हैं 103 में, विच टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर फैक्ट. अब अगर कोई बिल्कुल पर्टिकुलर फैक्ट है दैट यू विश दैट द कोर्ट अप्रिशिएट्स, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव वो ही करेगा जो उसको एसर्ट कर रहा है.
The burden of proof as to any particular fact lies on the person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of the fact shall lie on particular person. अब ये कुछ ना कुछ connected ही है onus के साथ और burden of proof के साथ, मगर कुछ different भी है. For example, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, मगर जहां पे चोरी की बात हो रही है वहां पे था ही नहीं, तो अगली पार्टी कहेगी कहां पे थे, तो कोर्ट अगली पहली वाली पार्टी को थोड़ी बोलेगी कि आप प्रूव करो ये कहां थे. वो जो इंसान कह रहा है कि मैं वहां था ही नहीं. अब देखो एक केस चालू हुआ, उसमें थेफ्ट का केस चालू हुआ, प्रोसिक्यूशन ने बोला कि इन्होंने चोरी करी है, प्रूफ लाके दिया कि देखो यहाँ पे ये चीज चोरी हुई है, इनका मोटिव था एटसेट्रा एटसेट्रा. अगली पार्टी डिफेंस जो है वो आके बोलती है कि सर मैं तो वहां पे था ही नहीं, तो कोर्ट बोलेगी देखो ये एक बहुत पर्टिकुलर फैक्ट है, ये पर्टिकुलर फैक्ट आप खुद प्रूफ करो कि आप वहां थे या नहीं थे. तो अब वो अपनी तरफ से एविडेंस लेके आएगा, उसी के ऊपर बर्डन होगा कि मैं एविडेंस लाऊं एलिबाय का, मैं अपनी टिकटें दिखाऊं कि सर मैं तो लाहौर में था, मैंने तो होटल बुक किया था, वहां की फुटेज है मेरे पास, मैं तो कलकत्ते में था ही नहीं, इन्होंने कहा है मैंने कलकत्ते में चोरी करी है, तो दैट्स अ पर्टिकुलर फैक्ट. मगर इसके साथ साथ अगर हम 106 रीड करें तो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी. एक बार 106 रीड करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ कीप्स शिफ्टिंग, राइट? करेक्ट. ओके. बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं, सॉरी, बर्डन ऑफ प्रूफ एक ही बंदे के ऊपर होता है. बर्डन ऑफ प्रूफ इज द बर्डन दैट सब्सटेंटिव लॉ क्रिएट्स. ओनर्स ऑफ प्रूफ कीप्स ऑन शिफ्टिंग. एक सौ एक जो है वो स्टैटिक है, 102 कीप्स ऑन शिफ्टिंग ओनस. इज दैट सो ओनस विल कम इनटू द पिक्चर वंस द बर्डन इज प्रूव्ड. हाँ, ओनर्स जो है वो शिफ्ट करता है, एंड जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक स्टैटिक चीज है जो सब्सटेंटिव लॉ अपने आप हमें बताता है कि कौन प्रूफ करेगा. पहला जो बर्डन है वो बर्डन ऑफ प्रूफ है, और उसके बाद जो शिफ्ट करता रहता है वो ओनर्स ऑफ प्रूफ है. ठीक है टंडन सर, आपका माइक ऑन है. यार राघव जी सच्ची में बहुत भूख लग रही है. आप खाना खा लो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना. वी आर कमिंग टू 106 नाउ. 106 इज बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज. अब 103 में हमने पर्टिकुलर फैक्ट की बात करी और यहाँ पे हम स्पेशल नॉलेज की बात करें. वहां पे भी एक तरह से एक पर्टिकुलर नॉलेज थी, एक पर्टिकुलर चीज हम प्रूव करना चाहते थे. 106 में पर्टिकुलर नॉलेज की बात हो रही. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 106 कुछ इंटरनल मेंटल एलिमेंट की बात करता है और 103 एक एक्सट्रनस एलिमेंट की बात करता है. तो जब मैं कहता हूं मैं एलिबाय प्रूफ करूंगा कि मैं यहां नहीं था वहां नहीं वहां था, वो 103 में आता है. और जब मैं कहता हूं कि मैं किसी, जैसे आप इसकी इलस्ट्रेशन ए देखो, व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट व्हिच द कैरेक्टर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एक्ट सजेस्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज अपॉन हिम. कोई ट्रेन पे चढ़ा है बिना टिकट के, इसी में इलस्ट्रेशन है. कोई ट्रेन पे चढ़ा है बिना टिकट के, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या दिखाई देता है कि इसने पैसे बचाने के लिए गलत इंटेंशन से ट्रेन से जर्नी करी. बट अब इसकी इंटेंशन जो है वो हम तो जान सकते नहीं है, हम तो सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इसने गलत इंटेंशन से ही जर्नी करी है. उसको प्रूव कौन कर सकता है? ओनली द पर्सन हु एक्चुअली नोज द फैक्ट, ओनली द पर्सन हु एक्चुअली हैज स्पेशल नॉलेज अबाउट. 106 उसकी बात करता है. इसी से रिलेटेड होता है रेस इप्सा लॉक्विटर का रूल. कई बार क्वेश्चन आता है which section is related to the rule of res ipsa loquitur. Res ipsa loquitur means when the circumstances explain the act itself. Jab circumstances se hi pata chal raha hai ki kiski galti hai. Kahan pe use hota hai zyadatar? Negligence ke cases mein. Ab agar koi bijli vibhag ka kaam hai jahan pe unhe sari taron ko tarike se rakhna hai, magar aapne kya bola, when circumstances explain themselves. Achha. तो अब अगर कोई बिजली विभाग का काम है कि भाई तारे वगैरह समेट के रखें, अगर उनकी तरफ से नेग्लिजेंस होती है और उस तार के लटकने की वजह से समवन गेट्स इलेक्ट्रोक्यूटेड,
एंड द पर्सन डाइज, तो इसमें हमें साफ साफ सीधा सीधा क्या दिखाई दे रहा है कि भाई नेग्लिजेंस हुई है एंड प्रॉपर केयर वॉज नॉट टेकन, ड्यू गुड फेथ वॉज नॉट ऑब्जर्व. अब इस चीज को अगर किसी को प्रूव करना हो कि नहीं सर ड्यू डिलीजेंस करी गई थी और हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोताही बरती थी, हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया था जो हमें करना चाहिए था, ये चीज प्रूव वही करेगा जिसके पास स्पेशल नॉलेज है. एंड स्पेशल नॉलेज इस चीज की किसके पास होगी, बिजली विभाग के पास. सो नेग्लिजेंस के केसेस में रेस इप्सा लॉक्विटर लगता है एंड वो ही 106 है. 106 स्पेशल नॉलेज की बात करता है, 103 पर्टिकुलर फैक्ट की बात करता है. अब आ जाते हैं 104 पे. 104 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ फैक्ट और बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल. जब किसी एक चीज को एडमिसिबल बनाने के लिए हमें किसी और चीज को प्रूव करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना है तो मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मैं मर चुका हूं, या जिस भी बंदे की मैं डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव कर रहा हूँ उसकी डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करने से पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा उसकी डाइंग को, दैट द पर्सन हैज डाइड, राइट. करेक्ट, राइट, ठीक है. मेरे को लगा सब सो गए. 104 समझ आ ही गया होगा हमें, इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं. इसी तरह से इसमें एक और इलस्ट्रेशन दी हुई है कि अगर कोई कहता है कि मैं सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता हूं क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट मैं खो चुका हूं, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका एविडेंस खो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है. जैसे 63 और 65 में हमें इलस्ट्रेशन दी हुई है, 65 में, कि हम कब यूज कर सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस. तो हम जब वो व्हेन वी लूज इट और व्हेन द अदर पर्सन हैज टेकन इट बाय फ्रॉड या पोजेशन में ले लिया है फोर्स से, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास जा चुका है ये बाय फोर्स और वी हैव लॉस्ट इट और इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, घर में आग लग गई थी, उस चीज का प्रूफ देना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकेंडरी एविडेंस लाओगे. सो 104 में ये चीजें आती हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है. 105 हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई जनरल एक्सेप्शन की शरण लेना चाहता है देन द पर्सन हैज टू, द पर्सन हु इज टेकिंग द जनरल एक्सेप्शन टू हिज बेनिफिट, ही हैज टू प्रूव दैट ही एक्चुअली फॉल्स अंडर दैट बेनिफिट. तो अगर एक कोई कहता है कि मेरे से सर ये तो एक्सीडेंट से हुआ था मर्डर, मैंने केस किया राजेश सर पे कि इन्होंने मर्डर किया है किसी का, राजेश सर ने बोला कि नहीं वो तो एक एक्सीडेंट था, तो अब एक्सीडेंट मैं थोड़ी प्रूव करूंगा कि वो एक्सीडेंट नहीं था, राजेश सर प्रूव करेंगे कि वो एक्सीडेंट था. सो 105 इज अगेन एन एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ. तो 101 और 102 जो है वो जनरल रूल्स हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के, उसके आगे के सारे सेक्शन उनके एक्सेप्शन बन जाते हैं कि कब किसी और के ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं है, किसी और के ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ. अब आ जाते हैं हम 107 और 108 पे. 107 जो है वो देखो वो अपने आप में एक सेक्शन है, और 108 किस वर्ड से शुरू होता है, प्रोवाइडेड दैट. 107 का प्रोवाइजो है 108. नाउ 107 और 108 में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ कौन सी है और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कौन सी है, और हम इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज कभी कभी कंफ्यूज करती है. हम दोनों तरह से देख सकते हैं उसे, और दोनों को ही प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी कभी कभी कह सकते हैं और प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं. मगर जब आपके पास क्वेश्चन आए तो पहले लाइफ आती है और उसके बाद डेथ होती है ना, तो 107 को लाइफ है, 107 इज प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ एंड 108 इज प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. नाउ 107 सेज व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर मैन इज अलाइव और डेड. अब अलाइव और डेड दोनों की बात हो गई, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी हो सकता है. नाउ इट सेज व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड एंड इट इज शोन वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही वॉज अलाइव विद इन 30 years. आज से 30 साल में हमने उसे कहीं ना कहीं देखा है. इसको हम प्यार से डॉक्ट्रीन ऑफ सर्वाइवरशिप भी कहते हैं. द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट. तो जब हम लाइफ की प्रिजम्पशन करते हैं तो हम 30 साल लेते हैं. पिछले 30 साल में अगर किसी को जिंदा हालत में देखा गया है तो हम उसे जिंदा ही मानते हैं, प्रोवाइडेड दैट. अब 108 उसे नैरो डाउन करता है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ को नैरो डाउन करता है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, वो है 108. और 108 कहता है प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर मैन इज अलाइव और डेड. ऊपर भी यही क्वेश्चन था, वेदर द मैन इज अलाइव और डेड. And it is proved that he has not been heard for 7 years. Upar hum kya dikha rahe the?
ऊपर हम सिर्फ शो कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा सा डिग्री में फर्क है. एंड इट हैज बीन प्रूव दैट ही हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years. हमने पिछले 7 साल से उसके बारे में कुछ नहीं सुना है. जो लोग नेचुरली उसको जान, मतलब जिनके लिए नेचुरल था, घर परिवार वाले नेचुरली वुड नो द वेयर अबाउट्स ऑफ द पर्सन, उन लोगों ने उसको नहीं देखा है अलाइव. देन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव इज शिफ्टेड टू द पर्सन हु अफर्म्स इट. ठीक है. तो अभी ना मैंने 2 दिन पहले रेडियो पे सुना कि देयर इज अ पर्सन ऑफ 92 ईयर ऑफ एज, उसने अपने मतलब जिंदा होने के लिए, मतलब सबूत के लिए उसने केस डाला कि दैट आई एम अलाइव एंड ही वाज बीइंग डिक्लेयर्ड डेड, मतलब और नॉट फॉर सिंगल टाइम, मतलब फॉर मेनी टाइम्स. तो ऐसे केसेस में व्हाई वी डोंट अप्लाई दिस 107 की 30 इयर्स में, मतलब जब उसने पिछले कोर्ट की अपनी उसने वो लगाई होगी जजमेंट दैट ही वाज बीइंग प्रूव्ड अलाइव, तो व्हाई द कोर्ट हैज नॉट कंक्लूडेड इट इन द नेक्स्ट टाइम, यस द सेम जजमेंट अप्लाइज टू इट. ये मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया नहीं है, क्योंकि अगर बंदे को प्रूव कर दिया गया था ही वाज डेड, दैट मींस इसी तरह से प्रूव किया गया होगा कि भाई पिछले 30 साल में उसको जिंदा नहीं देखा गया. हाँ, तो एक्चुअली मतलब फैक्ट्स मुझे भी नहीं पता, बट इट वाज मतलब वो रेडियो पे थोड़ा सुना तो इसलिए मतलब पता है कि 92 इयर्स का वो बंदा है और उसने वो कोर्ट में दूसरी या तीसरी बार ये केस डाला है कि आई एम नॉट डेड, आई एम अलाइव. तो बड़ा ही मतलब डिक्लेयर मी अलाइव, मतलब डिक्लेयर मी अलाइव, या शायद उसकी फैमिली ने उसको डेड डिक्लेयर करके पेंशन लेने के लिए मतलब ऐसा कुछ किया है. अच्छा. I think we'll have to know about it. कि क्या है, you know, उसके proper facts वगैरह क्या हैं, तो हमें समझ आएगा. Okay, I will search and get back on Wednesday. हाँ, yes. चलो, let's move on to 109. Now, 109 talks about burden of proof as to relationship in case of partners, landlords, tenants. Very easy. अगर आज की डेट में मैं और गोपाल सर एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं, एंड वी एक्ट लाइक दैट, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, when the question is whether the persons are partners etc, burden of proving that they and it has been shown that they have been acting as such, hum usi tarah se act kar rahe hain, to fir burden of proving ki wo log is relationship mein ab nahi hai is on the person who affirms it. agar main aur gopal sir ek partnership mein hain aur hum partners ki tarah kaam kar rahe hain, bhale hi hamara 2 mahine pehle breakup ho gaya as partners, हम फिर भी उसी तरह act करते जा रहे हैं. अगला बंदा आके कहता है कि सर नहीं, इनका तो 2 महीने पहले partnership टूटी है, मैं जानता हूं, मैंने देखा है इन्हें वो partnership dissolve करते हुए, मगर हम अभी तक वैसे ही act कर रहे हैं. तो उसको proof कौन करेगा, proof करने का burden किसके ऊपर चला जाएगा, जो affirm कर रहा है कि ये लोग अभी भी partners हैं या अभी भी अब partners नहीं है. ठीक है. सो ये आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, आई हैव चोजन द रॉन्ग वर्ड्स. अगर हम लोग पार्टनर्स हैं और हम एक्ट कर रहे हैं, तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि हम अभी भी एक्टिंग पार्टनर्स, अभी भी हम पार्टनर्स हैं. अगर कोई भी आगे से आके ये कहना चाहता है कि ये लोग पार्टनर्स नहीं है, सिर्फ इसी के ऊपर इंडिविजुअल लाइबिलिटी डाली जाए या ये ही मुझे पैसा वापस करें, ऐसा कोई केस आता है, तो प्रिजम्पशन यही होगी कि वो लोग अभी भी पार्टनर्स हैं और ये बंदा जो अफर्म कर रहा है कि वो पार्टनर्स नहीं है, वो उस चीज को प्रूव करे. मोटी मोटी बात 109 में ये है. 110 टॉक्स अबाउट प्रूफ ऑफ ओनरशिप. पोजेशन इज द 9 points, वो इसी सेक्शन में आता है और इस पे क्वेश्चन भी बनता है. सो जब किसी के पास पोजेशन पाया जाता है, तो हम मानते हैं कि वो उसका ओनर भी है, और जो कोई कहता है कि वो ओनर नहीं है, वो उसको प्रूव करे. इस पे ज्ञान सर ने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर कोई भिखारी है जिसके पास एक गोल्ड की चेन है, ऊपर से देख के ये लग रहा है कि ही इज नॉट द ओनर, ही कैन नॉट बी द ओनर, मगर पोजेशन उसके पास है, तो बाय द एड ऑफ 110 माना यही जाएगा कि वो ओनर है, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो ओनर नहीं है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ की जहां तक बात है, वो प्रूव करेगा जिसके ऊपर बर्डन है, सॉरी जो अफर्म करता है.
ये नहीं कि आपने किसी की शक्ल सूरत देखी और आपने बोला इसके पास तो गोल्ड चेन हो ही नहीं सकती और आपने उसको ठहरा दिया कि भाई ये ओनर है ही नहीं, ये चोरी करके आया है, ठीक है। उसके साथ 111 प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। एक्टिव कॉन्फिडेंस की वो रिलेशंस होती हैं जहां पे एक पार्टी का किसी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, वकील साहब, टीचर्स, पुलिस वाले, एटसेट्रा, बॉस वगैरह हो गए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मैं किसी की कैंसर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आई एम अ डॉक्टर, कैंसर ट्रीटमेंट 5-6 महीने चल रही है, आगे भी अभी चलेगी काफी टाइम तक, मैं उसको बोलता हूँ अपनी प्रॉपर्टी मेरे को बेच दे, वो कहता है नहीं बेचूंगा, मैं उसकी भाई ड्रिप उतार देता हूँ या जो भी कुछ भी लगा हुआ है वो उतार देता हूँ, या कुछ नहीं भी करता तो उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस है मेरा कि भाई ही इज माई डॉक्टर, तो वो मेरे साथ ज्यादा नेगोशिएट नहीं करता जैसे वो एक नॉर्मली किसी और के साथ करेगा, और शायद वो एक अनरीजनेबल डिमांड भी मेरी मान जाए, तो वो 1 लाख की चीज मुझे सिर्फ 30,000-20,000 में दे देता है, 50,000 में दे देता है। तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि एक एक्टिव कॉन्फिडेंस में अगर कोई रिलेशनशिप है तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि गुड फेथ में ही ट्रांजैक्शन हुई है वो उसके ऊपर होगा जिसका अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो डॉक्टर साहब को प्रूफ करना होगा कि नहीं सर, ये तो गुड फेथ में ही मैंने 30,000 की खरीदी है, मैंने इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, इसी ने मुझे अपने बिल्कुल फ्री विल से 30,000 में ये जमीन बेची है। ये 111 एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात करता है। 111 ए सर्टेन ऑफेंसेस में प्रिजम्पशन देता है कि कोई भी एरिया है वहां पे आप 121, 122, 123 ये प्रोविजंस जो आईपीसी के हैं, कहीं पे भी उपद्रव करना, कहीं पे अनलॉफुल असेंबली चल रही है, डिस्टर्ब्ड एरिया है, ऐसी जगहों पे अगर आप पाए जाते हो तो आपकी प्रिजम्पशन बनती है कि आप उस क्राइम में इन्वॉल्व थे, तो उस बेसिस पे आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन भी करी जा सकती है। तो क्राइम को रोकने के लिए एक तरह से स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये प्रोविजन बनाया गया। 112 मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जानने की या किसी को भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। इट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। आप शादी के 280 दिन के अंदर अंदर, शादी चाहे चल रही हो चाहे ना चल रही हो, अगर आप शादी के बाद पहले दिन या 280वें दिन के बीच में पैदा हुए हो तो आपको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। 280 दिन 9 महीने के हिसाब से लिया गया है, विच इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मोस्टली, बट दिस इज द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इन द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ अपने हिसाब से चलता है, मैं वो पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ में 6 मंथ्स जरूरी नहीं है कि 6 मंथ्स ही होगा, वहां पे अलग अलग स्कूल्स में कहीं पे 12 महीने, 13 महीने, कहीं पे 18 महीने, कहीं पे 9 महीने, अलग अलग टाइप के। 18 महीने इज नॉट द प्रेगनेंसी पीरियड, बट I think it is 6 months that it is presumed when if the child is born within the 6 months of the marriage, it is if it is born within the 6 months, it is to be presumed that it may not be the legitimate child. वो सिर्फ एक स्कूल है, वो सिर्फ कोई एक स्कूल है, I think it is the कौन सा है वो सुन्नी के अलावा जो दूसरा स्कूल है, शिया। हाँ, शिया में मेरे ख्याल कम टाइम होता है, सुन्नी जो होता है वो ज्यादा टाइम देते हैं लेजिटिमेसी को। But Shia is more applicable in India, na? वो depend करता है ना मैम, applicable general applicability तो सुन्नी लॉ की होती है यहाँ पे। अगर कहीं पे ना लिखा होगी कोई सुन्नी है या शिया है तो हम सुन्नी लगाते हैं। Because this section do not differentiate between any personal law, it is the LCC type. Evidence Act नहीं करता उसपे, personal law के हिसाब से कोई जाना चाहे court personal law के हिसाब से भी decide करती है। Normally Evidence Act सब पे ही लगता है। हाँ, तो वो तायरा बानो की जजमेंट एप्लीकेबल हो जाती है ना, कि व्हेन इवन द पर्सनल लॉ इज नॉट एप्लीकेबल देन द सेंट्रल लॉ यूसीसी के हिसाब से आप योर द कोड विल बी एप्लीकेबल। हाँ जी बिल्कुल, बट वो जो 6 महीने वाली बात है वो स्कूल्स के साथ साथ डिफर करती है। हनाफी स्कूल कुछ और बोलता है, शिया कुछ और बोलता है, सुन्नी कुछ और बोलता है, हनबली कुछ और बोलता है, तो ये सब अलग अलग चीजें बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 112 में 280 दिन ही लेके चलते हैं। Then we come to 113, proof of cession of territory. इसमें हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस नंबर और नाम पता होना चाहिए कि सेशन ऑफ टेरिटरी 113 में है।
दूसरी चीज की 113 इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ. कंक्लूसिव प्रूफ के हमें चार एग्जाम्पल्स पता है, 41, 112, 113 और सीआरपीसी का 82. ठीक है, 113 ए और 113 बी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी डेट, ये 1983 में आया था 113 ए, और 113 बी जो है वो 1986 में आया. इसी के साथ साथ हमें 114 ए पे भी नजर डालनी चाहिए. 114 ए कौन से ईयर में आया था, 1986 में. ठीक है, सो एक ये याद रखना है सबको, 113 ए है 1983 का और बाकी दो जो प्रिजम्पशंस हैं वो है 1986 की. दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि 113 ए मे है, मे प्रिजम्पशन है, 113 बी शैल प्रिजम्पशन है और 114 ए भी शैल प्रिजम्पशन है. ठीक है, तो साथ साथ चल रहे हैं. देखो 1983 वाला जो है वो मे है और जो भी 1986 वाले दो हैं वो दोनों शैल है. अब बात करते हैं इनके अंदर क्या है. 113 ए इज प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन. रीड कर लेते हैं आज राघव जी, कितना 113 ए और बी भी करना, कहां तक चलेंगे? सॉरी सर, कहां तक चलेंगे आज पूछा था, मतलब 113 तक अपने कर लेंगे, 114 ए तक, 114 ए तक बस. बहुत लंबा हो गया, बहुत एग्जांपल भी देखो एग्जाम्पल भी देखिए ना, इलस्ट्रेशन कितने रखे 114 के. आई सजेस्ट सर, इलस्ट्रेशन आप खुद पढ़ोगे सर, यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हम. अगर जरूरत पड़ी तो हम अगली क्लास में उन्हें फिर से देख लेंगे. बात वो नहीं है, बात ये है कि आपके वीडियो टाइम से अपलोड नहीं होते हैं एलसीआई. इफ दैट इज अ थिंग कि आपका पहला वीडियो अपलोड हुआ है तो सर वो तो इसलिए इसमें इतना डिले है क्योंकि ये इसका कोई पोर्टल नहीं था, नहीं तो दो दिन में आ जाती है वीडियो. इसका हमारे पास कोई पोर्टल ही नहीं था, हमने डिसाइड ही आउट ऑफ ब्लू किया है दैट वी डू इट. आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपकी पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त है कि भाई देखो बाकी सब बैठे बैठे, मैं तो आज तो मेरी तो एनिवर्सरी है, मैं फिर भी सारा बैठा हूँ, 10 मिनट के लिए गया, केक काट के आ गया, वापस कट गया. चलो हैप्पी एनिवर्सरी सर, हम आपकी एनिवर्सरी है तो हम यहाँ बंद कर देते. आज तो हम होम मिनिस्ट्री से पंगा लिए बैठे हुए. तो वो पंगा मैं भी लेना नहीं चाहूंगा. तो आपने अब इतनी बड़ी बात बोली है तो लेट्स जस्ट किल द लेक्चर राइट हेयर. तो हम 113 ए से अगले लेक्चर में शुरू कर लेंगे. ठीक है, आपने 1991 बताया, बाकी भी अच्छा बताया, इसमें तो बहुत अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच. वो बस आज ये है कि मेरे को लगा कि हमने पहले इंटरनेट कनेक्शन की वजह से टाइम बहुत वेस्ट कर दिया. एग्जैक्टली हमने 2 घंटे तो नहीं पढ़ा है, बट चलो है कि एक सजेशन है कि जो आईपीसी वगैरह का भी हो ना, उसकी फटाफट लोड करा देना वीडियो. बिकॉज क्या है, देर आर टाइम्स व्हेन समबडी हैज टू गो, कुछ एंगेजमेंट आउट ऑफ स्टेशन जाना है कुछ है, तो वो फिर वो फॉलो नहीं कर पाएगा बंदा. अगर आई अंडरस्टैंड दैट सर, बाकी वो कंपनी को भी पता ही है. अब हमारे पास जो एडिटर होते हैं ना, उनको एटलीस्ट 2 दिन, आप एडिटिंग का शायद सब लोगों को आइडिया नहीं होता, तो लोगों को लगता है कि बस कट ही तो मारना है, 5 मिनट में अपलोड करो, बट असल में उसमें टाइम लगता है. एंड द पर्सन, ऐसा भी नहीं है कि हम हमारे पास 6-7-8 एडिटर रख लें, हमें उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है. एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ ना, तो एटलीस्ट 2 दिन का टाइम लग ही जाता है, बिकॉज द पर्सन ऑलवेज हैज एटलीस्ट 15 वीडियोज टू एडिट एंड डिलीवर एवरी डे, तो इसलिए 2 दिन टाइम तो लगता ही लगता है. बाकी एविडेंस के जो हम ये लेक्चर कर रहे हैं, इट्स एन एक्सेप्शन. ठीक है, इसका भी एक बार पोर्टल तैयार हो गया तो उस पर भी फटाफट चढ़ती जाएंगी 2-2 दिन में. ठीक है, बाकी चलो आप हैप्पी एनिवर्सरी आप मनाओ. थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी सर. ऑल राइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, बाय बाय सर, गुड नाइट. गुड नाइट. Living in the middle.